एक्टिंग वॉज नॉट माई पैशन. लेकिन आप अभी भी बोलेंगे एक्टिंग इजी मनी है. इजी मनी है यस. आगे जाके हम देखेंगे अभी तो लड़ेगा. केस भी आगे जाएगा. मैं ये इतना जरूर कहूंगा कि देखने वाला नाउमीद नहीं होगा. Hey guys, assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Pusha Magazine. आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं 25 साल से ज़्यादा उनका करियर है इस इंडस्ट्री में और मैं खुद उनकी बहुत बड़ी मदा हूँ. सो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू कि आज मैं उनके साथ कुछ गपशप लगाएंगे. हम नन्नी बोल मेरी मछली मेरे हजूर और आजकल हम उनको देख रहे हैं डंक में और आखिर कब तक में. रिसेंटली घिसी पिटी मोहब्बत में उनके कैरेक्टर पे बड़ी कॉन्वर्सेशंस हुई. तो आज मेरे साथ स्टूडियो में है शहूद अलवी साहब. अस्सलाम वालेकुम शहूद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम रबिया, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह. आपको हमारा ऑफिस आराम से मिल गया था? आपको ऑफिस आराम से तो मिल गया लेकिन देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा. वेरी नाइस डेकोर, वेरी नाइस इंटीरियर, एवरीथिंग इज फाइन, आई लाइक इट. आज एक ही दिन फारिग था शहूद साहब के पास और उन्होंने हमें दिया, मैंने पकड़ लिया. अमेरिका बस हमारे पास. सच पूछे तो मैं शर्मिंदा हूँ आपसे. नहीं नहीं प्लीज. हाँ, क्योंकि हम पिछले कुछ 4 महीने से कोशिश कर रहे हैं किसी तरह इस इंटरव्यू को हम कर सकें और मैं मेरी वजह से आप नहीं कर पाए, जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ. सॉरी फॉर दैट. नहीं, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड. माशाल्लाह साहब इतने बिजी हैं और एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वी नो कि कितना शूट पे हेक्टिक स्केड्यूल होता है आप लोगों का. हाँ जी, बस वो ना पूछे. और अभी एक बड़े मज़े का वाक्य, हम लोग माइक सेट कर रहे थे और नहीं हो पा रहा था. फिर शहूद साहब ने कहा मास्किंग टेप है. मैंने कहा टेप क्यों चाहिए, इसको वायर को इधर उधर करते हैं. उनका लेकर तो आओ. फिर मैं लेकर आई और फिर वो जो सारा एक्सपीरियंस जिसके बारे में वो काफ़ी इंटरव्यूज में बता चुके हैं वो हुआ और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से माइक जो है वो सेट कर लिया और आज हमें एक टिप भी मिल गई है. फील हो रहा होगा आप लोगों को यहाँ लगा हुआ. मेरा ख्याल है फील नहीं हो रहा था, अब आपने बताया तो फील हो रहा होगा. तो कहानी तो हमने बहुत दफ़ा सुनी है और आपने बहुत दफ़ा सुनाई है, तो मैं आई डोंट नो आप लोगों ने कितनी दफ़ा सुनी है. मैंने तो सुन ली है काफ़ी दफ़ा, तो मैं नहीं चाहती कि हम कहानी को दोबारा रिपीट करें. लेकिन हुआ ये था कि जब आप स्टार्ट किया इंडस्ट्री में तो इकबाल अंसारी के साथ आपने स्टार्ट किया और उन्होंने कहा कि तुम आ जाओ और उन्होंने आपको टेक्निकल साइड पे भेजा और एज बूम ऑपरेटर आपने पहली जॉब अपनी 1997 में स्टार्ट की. 96-97 में, ठीक है. सो मुझे ये पूछना है कि जब आप आ रहे थे तो दिमाग में यही था कि मैं एक्टिंग के लिए आ रहा हूँ या बस आप इंडस्ट्री में आ रहे थे एंड यू वर ओके टू गो टुवर्ड्स द टेक्निकल साइड? राबिया सच पूछे ना, मैं डायरेक्शन के लिए आ रहा था. क्योंकि लेकिन आप बड़े यंग थे उस वक्त, तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था. मैं बताता हूँ, मेरी फैमिली में इकबाल अंसारी हम बचपन से देख रहे थे उनको और उनका एक अलग ही शख्सियत थी जिसका मैं बड़ा मद्दा रहा सारी ज़िंदगी. तो मेरे नज़दीक वो मेरे हीरो भी थे, तो मैंने उनको फॉलो करना चाहा. वो एक डायरेक्टर थे, मुझे पता भी नहीं था डायरेक्टर होता क्या है, मगर मुझे वही बनना था अपने मामू को देख देख के. तो बस ये सोच के मैं आया था. जब इस फील्ड में आया और मैंने काम देखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि डायरेक्टर तो बहुत मेहनत करता है, बड़ा शदीद सख्त काम है. इसके पीछे बहुत नॉलेज चाहिए, इसके पीछे बहुत तालीम का होना ज़रूरी है, इसके पीछे इल्म का होना बहुत ज़रूरी है. तो फिर वो ग्रूमिंग वाला सिलसिला शुरू हो गया लाइफ में कि अच्छा जी किताब कहीं से. वैसे भी मैं शुरू से पढ़ने का शौकीन था तो किताबें उठा ली. अच्छा, आपने पढ़ी डायरेक्शन पे? बहुत ज़्यादा पढ़ी. फिर मैंने कुछ शॉर्ट कोर्सेज करने के लिए चला गया था. कहाँ गए? वो भी किए मैंने ग्लासगो से किया जी, आर्ट्स स्कूल ऑफ ग्लासगो से. दैट्स नाइस. लेकिन जब इकबाल अंसारी साहब ने कहा कि नहीं बेटा ना एक्टिंग ना डायरेक्शन, तुम तो ये जरा हैंडल करो ये बूम ऑपरेटर की जॉब करो, बहुत बुरा लगा था. तो कैसा फील हुआ था? ऐसा होता है, सपनों का पहाड़ ढा करके नीचे गिरा. लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था, मैं उस वक्त बहुत बुरा मानता था उनकी इस बात को अपने उस्ताद की. मुझे लगता था कि ये मुझे बहुत रगड़ा लगा रहे हैं, खाम खां का रगड़ा लगा रहे हैं, जबकि मैं बहुत ज़हीन आदमी हूँ, मैं तो सेकंड्स में चीज़ें सीख लेता हूँ, तो ये मुझे क्यों इतना रगड़ा लगा रहे हैं. लेकिन उन्होंने मुझे रगड़ा लगाया जी और उन्होंने मुझे कुछ 4-5 साल घिसते रहे. उन्होंने मुझे बूम ऑपरेशन से शुरू कराया, फिर उन्होंने मुझे कैमरा ऑपरेट करवाया, फिर उन्होंने मुझे ये जो केबल्स होती हैं ना इनको सोल्ड किया जाता है, जोड़ा जाता है, टूट जाती हैं, ये तक कराया. फ्लोर पर मैंने झाड़ूएँ लगाईं, कैमराज और ये सारी टेक्निकल चीज़ें सफाई करता था इनकी. ENG स्टाफ के साथ सामान उठा के गाड़ियों में रखना, ले जाना, पैच करना, शूटिंग करना, फिर दोबारा उठाना, रातों को लेके आना, सुबह को घर पहुंचना, ये मुझसे उन्होंने कुछ 4-5 साल कराया. मीनवाइल उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट्स पे लगा दिया. जो स्क्रिप्ट आता था कहते थे यार ये ले जाएं, पढ़ें, ये पढ़ें और मुझे ज़रा फीडबैक दें कैसा है स्क्रिप्ट. हमें क्या पता था स्क्रिप्ट कैसा है कैसा नहीं है, बस एक सेंस थी जिसमें हम ये जज कर लेते एज ह्यूमन के जी अच्छा है या बुरा है. फिर वो अक्सर उस पर सवालात करते थे तो दिमाग ज़रा खुलना शुरू हुआ कि अच्छा इधर भी सवाल हो सकता है, अच्छा ये भी हो सकता है.
स्क्रिप्ट पे उन्होंने मेरी जिंदगी के 8 साल जाया किए उन्होंने जाया किए, क्योंकि उस वक्त मुझे वो जाया होते हुए लगते थे. मुझे लगता था मेरी जिंदगी बहुत तेजी से जाया हो रही है. मैं सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ तो मुझे लगता था मेरी जिंदगी जाया हो रही है. बट आफ्टर लिटल कुछ टाइम के बाद जब मैंने इस फील्ड में एक्टिंग शुरू की, मैंने कुछ काम शुरू किया, तो मुझे पता चलना शुरू हुआ कि वो चीज़ें मुझे कैसे पे बैक कर रही हैं. तो स्क्रिप्ट जब पढ़ते तो किस किस्म के सवाल पूछते थे वो आपसे? क्या देखिए, वो अक्सर मुझसे कहते थे कि ये स्क्रिप्ट बताएं कैसा है. मैं कहा जी अच्छा है, ठीक है. अच्छा तो फला एक्टर के इसमें जुमले कैसे हैं, वो सही बात कर रहा है, वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है? मैं कहता था जी उसका करेक्टर तो नेगेटिव है तो वो तो गलत ही बात कर रहा है. कहते थे अच्छा तो उसको कैसे कहेंगे कि वो कैसे ये बात कहेंगे ये लगे कि सही कह रहा है वो? तो मैं कहता था पता नहीं. कहते थे जाएं फिर मेहनत करें, जरा ऑप्शंस लिख के लाएं. ओह वाओ, मतलब पूरी तो स्कूल चल रहा है. जी 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 जी. और हमें पता नहीं था, हमें लग रहा था ये तो हमें ले जाएंगे और हम बस शुरू हो जाएंगे और हमारा काम स्टार्ट है. मुझे एडी के उस पे साथ में. फिर मैं, मुझे खुद बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी तो मैं खुद कभी कभी बहुत सवाल उनसे करता था, कभी उल्टे कभी सीधे. जिन सवालों पे अब मुझे बहुत हंसी आती है कि मैं क्यों करता था. मुझे एग्जांपल दें, कभी मैं भी ऐसे सवाल. जैसे मैंने एक दफ़ा उनसे कहा, मैंने कहा बॉस मैं आपको एक चीज़ बताऊं? कहने हाँ. मैंने कहा ये दो करेक्टर्स बैठे बात कर रहे हैं ना, तो इसके सोलो के लिए तो हम कैमरा इधर रखेंगे. कहने हाँ. मैंने कहा और इस करेक्टर के सोलो के लिए हम इधर रख देंगे. तो ही सेड के रख भी सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पे. बेचारे ने, तो मुझे नहीं समझ आता. फिर मैं सोचता था यार मैंने क्यों सवाल किया, मतलब मैं खामखा उनके सामने हीरो बनने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ जबकि वो बहुत जानते हैं इस काम. तो इस तरह के कुछ छोटे छोटे इवेंट्स हैं जो मेरी शर्मिंदगी का बाइस बनते रहे लाइफ में. मगर आहिस्ता आहिस्ता फिर समझ आई, फिर 180 की भी समझ आई. फिर जब एक्चुअली प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत तो कर लिया था, फिर थीसिस थोड़ा बहुत खुद भी पढ़ा. किताबें ला के पढ़ने का बहुत शौक था. पैसे इतने होते नहीं थे कि महंगी महंगी किताबें खरीदें. ये गुलशन में एक जगह है जहाँ पे पुरानी किताबें मिलती हैं, तो वहाँ पहुँच जाता था. वो कबाड़, एक अंबार लगा होता था कबाड़िया के पास. उस अंबार में से घुस के किताबें ढूंढता था. तो वो किताबें ज़रा सस्ती मिल जाती थी. वो कभी कभी 20 रुपये की मिल गई, कभी 15 रुपये की दे दी उसने. और वो किताब जब हम पढ़ लेते थे तो वो हमसे 5 रुपये में वापस भी ले लेता था. ये तो अच्छा बिजनेस था. तो वो किताब जो थी ना, वो वहाँ से फिर इस फील्ड से मुतालिक खरीद के पढ़ता था. बट इतनी अवेलेबल थी पाकिस्तान में? मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं थी इस तरह अवेलेबिलिटी नहीं थी. लेकिन जैसे कभी कभी कोई प्रोडक्शन की पुरानी किताब मिल गई तो उसमें ऑडियो के हवाले से कुछ बातें मिल जाती थी, तो फिर मैं डिस्कस करता था आके. फिर इकबाल साहब ने मुझे एक ज़माने में जाके कुछ किताबें देनी शुरू की जो उनकी अपनी पर्सनल लाइब्रेरी थी. तो ये सेट जरा किताब लेके जाए, फटनी नहीं चाहिए, इसका सर्वर ख़राब ना हो, इसको पढ़ के लाइए, ख़राब ना हो, निशान ना पड़े. तो डांट भी साथ पड़ जाती. तो वो वहाँ से फिर ये शौक पैदा होता रहा करता. यार ग्लासगो में गया था एक प्ले के लिए. अच्छा। जुल्फ़िकार शेख साहब का एक प्ले था, आंसू. अली रिजवी साहब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे, वो डायरेक्टर थे उसके. मैं उसमें एसोसिएट डायरेक्टर गया था. तो वहाँ हम शूटिंग करते फिर रहे थे, तो वहाँ की कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी उसमें भी हम शूटिंग के लिए गए थे. तो वहाँ पे मेरा ज़रा इंटरेस्ट बढ़ गया था. तो मैंने कुछ शॉर्ट कोर्सेज जो थे, मैंने कोई डिग्री नहीं ली, मैंने शॉर्ट कोर्सेज किए. उस वक्त नहीं किए, उस वक्त हम वापस आ गए थे. अच्छा, देख लिया आपने? मैंने वो यूनिवर्सिटी देख ली, उसका प्रोस्पेक्टिव वगैरह देख लिया, उसमें क्या क्या कोर्सेज होते हैं मालूमात ले ली, और हम शूटिंग वूटिंग करके वापस आ गए. उसके कोई 2 साल बाद मैं दोबारा गया. जब दोबारा गया तो फिर मैंने वहाँ पे शॉर्ट कोर्सेज किए. वो नाइट में, डे में हम जॉब करते थे, कोई इधर उधर रात को जाके पढ़ाई करते थे. रात के काम है नहीं, मतलब लोग इससे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं यार. मैंने जो मेहनत की है वो लोगों की मेहनत के सामने उतनी नहीं है, लेकिन हाँ है, मैंने भी मेहनत की जैसे सब करते हैं. मैंने भी, मुझे लगता कि है कि सुबह काम और रात को पढ़ना. अच्छा, तब आपको लगा कि यार, मतलब जो इकबाल अंसारी साहब ने आपको इतना कुछ सिखाया था और जब आप पढ़ रहे थे, कुछ उसमें कनेक्शन था, कुछ हो रहा था यार ये चीज़ें मुझे पता है, या आप एक नई दुनिया डिस्कवर कर रहे थे, वो एड ऑन कर रहा था? इट वॉज, वॉट वॉज हैपनिंग? एक्चुअली ऐसे हुआ क्योंकि मैं प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत कर चुका हुआ था, मेरे पास कुछ 7-8 साल का एक्सपीरियंस था. तो मैं जब वो पढ़ रहा था तो मुझे चीज़ें जल्दी समझ आ रही थी. तो बहुत से वहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो बाहर से आए हुए थे और वो समझ रहे थे, वो भी काम करते हुए आए थे. तो मुझे अपनी लाइफ में एक अच्छे एक्सपीरियंसेस से मेरे उस्ताद ने गुजारा है. मगर ये कोर्सेज जो मैंने किए थे, इन्होंने मेरी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत तब्दीली ज़रूर लेके आए. और मेरी एक्टिंग में, जैसे ऑडियो विजुअल कोर्सेज होते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में उस वक्त तक नहीं होते थे, ये शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ होने लगे. जब वो हमें साउंड की प्रैक्टिस कराते थे तो मैं सोचता था कि यार ये तो कोई बात ही नहीं है, मुझे तो अपने गले पे बड़ा अबूर है.
लेकिन जब हम 5 मिनट वो प्रैक्टिस कर रहे होते थे ना, तो ये सब ग्लैंड्स दुख जाते थे, सूज जाते थे, और रात को अक्सर मुझे सिकाई करनी पड़ती थी, थका देते थे। तो उन्होंने ऐसा खोल दिया गला कि आप वहाँ भी माइक रखें ना, तो मैं यहाँ से अपने ऑडियो आपको कैश करवा सकता हूँ, रिकॉर्ड करवा सकता हूँ। और जब आप यहाँ कर रहे सिखाया, तब आपको फील हो रहा था ये चीज़ें यहाँ नहीं, यहाँ फायदेमंद हो गई। उससे पहले नहीं समझती, बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ आता था। जब तक आप जिंदगी, मुझे लगता है जो मैंने सुना वो ये है कि सफ़र इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। ट्रू। तो ट्रैवलिंग जो है ना, वो आपको वैसे ही बहुत कुछ दे रही होती है, ना कि आप किसी यूनिवर्सिटी में कुछ नए लोगों के साथ बैठ के चंद घंटे गुजार लें। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं डिग्री लेता या मैं उनके साथ 3 साल का डिप्लोमा करता। मेरे पास शॉर्ट कोर्सेज के पैसे थे, तो मैंने वो कर लिया। और उसी से इतना फायदा हुआ आपको? तो उससे मुझे लगा कि मुझे फायदा हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब पता नहीं ये बात आपसे कहनी भी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, लेकिन आपने बड़ी इतनी इंटरेस्टिंग बात बोली है। मैं बहुत से नए एक्टर्स को देखती हूँ जिनमें मुझे लगता है कि टैलेंट है, लेकिन वॉइस प्रोजेक्शन पे काम करने की जरूरत होती है। आप गाइड करते हैं सेट पे जो नए एक्टर्स आते हैं कभी उनको? बहुत सारे लोग बुरा मान जाते हैं। ये बात भी, ये मेरी लाइफ का बड़ा सख्त एक्सपीरियंस है। मैंने बोलना छोड़ दिया सेट पे। अगर कोई पूछता है तो मैं सब बता देता हूँ जितना मुझे पता है। तो मेरी एडवाइस है, जितने नए लोग आ रहे हैं शोध अलवी साहब से कांटेक्ट कीजिए। इवन इफ यू थिंक यू आर अ ग्रेट एक्टर, यहाँ पे हमारे पास एक खजाना बैठा हुआ है, उससे हमें फायदा उठाना चाहिए। आपको लग रहा है मतलब कितने अच्छे एक्सप्रेशन दे, और जब आप मुंह खोले और आगे से कुछ आवाज मैं बोले वो तो सारा वो गिर जाता है। ऐसे ही होता है। कभी नापा में सोचा सिखाने का, ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने का? नहीं, मुझे लगा कि मैं खुद अभी बहुत कुछ सीखने के मरहले में हूँ। तो जो आदमी सीख रहा होता है वो सिखा नहीं सकता, मेरा ये मानना है। तो मुझे इसलिए अपना आप सिखाने के काबिल लगा नहीं, वहाँ कोई बुरा नहीं मानेगा ना जब आप बताएंगे तो। नहीं, वहाँ मुझसे ज्यादा काबिल लोग हैं, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या बोलूं उनके बारे में, उनको बहुत पता है, वो बहुत काबिल लोग हैं। मैं अपने आप को उस कैटेगरी में नहीं खड़ा कर सकता ले जाके, मतलब मैंने उन लोगों को बहुत बहुत बड़ा बनाया हुआ है अपने अंदर। नहीं, मैं तो ऐसे मैं उनसे सीख सकता हूँ, जाके बैठ सकता हूँ, बातें कर रही होती, फिर सवाल आना शुरू जाते हैं तो मैं पूछ ही जाती हूँ। आप जो चाहे पूछे, आपको पूरी आजादी है। अच्छा ये बताएं, वो जो 2 साल फिर 8 साल स्क्रिप्ट के, कहीं ऐसा टाइम आया जब आपने कहा यार ये क्या है, ये तो ख़त्म होने को ही नहीं आ रहा, मैं क्या सोच के आया था, मैं तो ये अभी तक ये काम कर रहा हूँ, कब मेरी तस्वीरें लेंगे लोग, कभी कब मेरा नाम आएगा कास्ट में? कोई ऐसा पॉइंट आया जहाँ आपका सबर जवाब दे दिया? मीनवाइल जब हम स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे उस दौरान छोटा सा टाइम मेरा आ गया था। एक प्ले था अनोखा लाडला, PTV का प्ले था और ईद का प्ले था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग काफी मशहूर प्ले था उस जमाने का, मशहूर exactly, प्ले था वो। लोगों को शायद अब तो नहीं याद, नहीं याद होगा। अनोखा लाडला में एक करेक्टर था जो सिसी था। उस कहानी की खूबसूरती ये थी कि लड़की जो थी, जो हीरो हीरोइन थे, वो बिल्कुल रिवर्स थे। लड़की टॉमबॉय थी, लड़का थोड़ा बहनों के बीच में पलके थोड़े नाजुक मिजाज हो गए थे, और वो भी फैशन डिजाइनर थे, तो वो वैसे ही बात करते थे जैसी उनकी बहनें करती थी, हाय अल्लाह ऐसा क्या, ये कंट्रास्ट था। तो उस टॉम बॉय लड़की को ये लड़का अट्रैक्ट करता है, इसको वो अट्रैक्ट कर, कहते कितना अच्छी लड़की है, कितनी मर्दानगी है उसमें, इस तरह के कुछ फनी जुमले भी थे। तो वो मेरा प्ले था, उसमें मैंने इस करेक्टर को चूज किया। जब वो लिखा गया और PTV में आया, तो मैं दिल दिल में सोचता रहा, मुझे ऑफर नहीं हुआ। वो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स उसके बारे में ये प्लान कर रहे थे कि ये किससे कराया जाए। तो एक हमारे यहाँ मेकअप आर्टिस्ट होता था, बहुत अच्छा मेकअप आर्टिस्ट भी था और बहुत प्यारा इंसान भी था, उसका नाम था मून। तो मून का नाम कंसिडर होने लगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी काम हो रहा था, तो मून प्राइवेट सेक्टर में मेकअप आर्टिस्ट काम कर रहा था, ठीक है, तो उसका नाम कंसिडर होने लगा। तो मैंने एक जगह हिम्मत करके कह दिया, मैं कहा बॉस मैं कर लूँ, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है करेक्टर। तो उन्होंने मुझे कहा शहूद अगर ये तुमने किया तो ये समझ लो तुम्हारा कैरियर यहीं एंड है। मैंने कहा क्या मतलब सर? कहने लगे यार ये इस तरह के करेक्टर जो लड़के कर लेंगे अपने कैरियर के स्टार्ट में, फिर वो आगे वेरिएशन क्या देंगे, क्योंकि लोग यही समझने लगते हैं हमारे यहाँ का जिस तरह का मिजाज है। तो मुझे कई लोगों ने रोका, बट हेड्स ऑफ टू नबील भाई। नबील भाई ने वाहिद आदमी थे जो खड़े हो गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं यार ये शहूद से करवाएं आप, शहूद अच्छा है, अच्छा कर लेगा, इंशाल्लाह मेहनत करेगा, कर लेगा, आप करवाएं। तो नबील भाई ने मेरा साथ दिया, तो वो करेक्टर मुझे ये मिल गया अनोखे लाडले का। तो ये था वो मेरा प्ले, जो मीनवाइल मैंने अपनी स्क्रिप्ट वाला जो मेरा एक्सपीरियंस था उसके साथ साथ मैंने किया था। तो इसके करने की वजह से लोग मुझे थोड़ा बहुत पहचानने लगे थे। वो तो बड़े डिफरेंट। इवन इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे मुझे खातून मिली,
और काउंटर पे हम खड़े थे, तो उन्होंने मुझे यूँ गौर से देखा, फिर देखा, फिर देखा, फिर पहचाना, फिर कहने लगी आप वही है ना टीवी में। मैं कहा जी 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 मैम, यहाँ तो अच्छे भले लग रहे हैं। तो मैंने कहा मैम मैं वैसा हूँ भी नहीं, वो तो मेरा करेक्टर था, मगर मज़ा आता था जब कोई मिलता था, आपका नाम लेता था तो बहुत अच्छा लगता था कि पहले से आपको कोई जानता है। ये बड़ी नेमत है अल्लाह की अता की। सही बात, शुक्र अल्लाह का। लेकिन पूछूं कहीं मतलब सबर जवाब दिया था कहीं दिया कहीं था। आया था जब मुसलसल आता फिर वापस किस तरह आए खुद ही आ गए बस या? डैमेजिंग सा टाइम था, कुछ रोता भी था घर जाके, कभी कभी गालियां बहुत पड़ जाती थी। इकबाल साहब बहुत गुस्से वाले उस्ताद थे, बहुत गालियां दे देते थे, गुस्सा कर देते थे। तो घर जाके जरा टेप शेप ऊँचा करके, शादी हो चुकी थी मेरी, तो रोता था। तो बीवी क्या कहती? बीवी को ना पता चले, घर में किसी को ना पता चले, तो टेप साउंड ऊंची करके रोता था, गुस्सा निकालता था अपना, कैथारसिस जो भी था। तो बुरा लगता था, उनका अंदाज भी बुरा लगता था, उनका मेरा टाइम जाया करना भी बुरा लगता था। लेकिन आप लगे रहे। हाँ छोड़ा। तो ये क्या चीज थी, मतलब क्या ये, एक तो ये प्ले आपको मिल गया, लेकिन क्या उम्मीद थी, क्या नजर आ रहा था कि आप लगे रहे? आपने ये नहीं सोचा कि यार बस ना मैं क्यों सफाइयाँ भी करूँ, टेक्निकल चीज़ें भी करूँ और स्क्रिप्ट्स भी पढ़ूँ और डांटे भी खाऊँ? मतलब काफ़ी लंबा अरसा है, 8 साल 6 साल। मेरी शादी हो गई थी जल्दी, आई वॉज 20 दैट टाइम। तो मुझे एक प्रेशर जो छोटा सा इस काम के साथ साथ था मेरे ऊपर, वो ये था कि मुझे अपना किचन चलाना था। तो मेरे जहन में जो उस वक्त ज़्यादा बात थी वो ये थी कि जो मैं सीख रहा हूँ, ये सीखता भी रहूँ, थोड़ी बहुत तनख्वाह मिल जाती है तो मेरा गुजारा भी चल रहा है। तो मैं लगा रहता हूँ इसी में, कुछ करते हैं तो ये सोच के मैं लगा रहा। अदनान जिलानी पे जब मैं बूम पकड़ता था, अदनान एक्टिंग कर रहा होता था, दोस्त था मेरा, उस वक्त भी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो मैं बूम पकड़ता था उसके ऊपर, तो वो मुझे अक्सर देख के कहता था यार तू, मैं बता रहा हूँ तू एक्टिंग की कोशिश कर, तू बड़ा अच्छा एक्टर बनेगा, तू एक्टिंग की कोशिश कर। लेकिन होता था, आता था, वापस जाता था, ये चलता रहता था। मूड है ना, कभी कभी आप किसी भी काम को करते करते मोनोटोनस का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल, यकसानियत तंग करती है आपको। तो आपको थोड़ी देर के लिए एक ब्रेक चाहिए होता है एज ह्यूमन। सबके लिए नहीं, वेरी करता है, मेरे साथ ऐसा ही होता था। तो उस मोनोटोनस को तोड़ता था मेरी तन्हाई, मेरा रोना, और मैं फिर अगले दिन वापस उसी एनर्जी से तैयार होके ये सोच के आ जाता था कि यार गुड और बैड वट एवर, बस करना यही है, करना ही है। अब अंजलानी क्या कहते हैं जब देखते हैं आपको? अब तो बहुत खुश होता है। नहीं नहीं, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बहुत खुश होता है। डायरेक्शन पे कब आप आए? फिर एक्टिंग का करियर स्टार्ट हो गया था आपका, आपको रोल पे रोल मिल रहे थे, ऐसे ही। तो कब सोचा कि नहीं मैं डायरेक्शन भी करूंगा? ब्रेक लिया या साथ साथ कर रहे थे? नहीं, डायरेक्शन बहुत बाद में जाके शुरू किया। हालांकि मेरे उस्ताद मुझे कभी कभी चुभती हुई बात कह भी देते थे, कहते थे डायरेक्टर जो होता है ना, ये जमीन से ऐसे निकलता है जैसा पौधा जमीन फाड़ के निकलता है। Okay. वो उसको वो बताता है सबको कि मैं आ गया हूँ, आप नहीं आ रहे, आपके अंदर से हाँ expected क्या है, because उन्होंने आपको इतना time spend किया था। उनका सिखाने का तरीका ये था, वो पिन करते थे, आग लगाते थे, चैलेंज करते थे, आप और जलील करके करते थे, आपके अंदर आग नहीं नजर आ रही मुझे, आप नहीं उग रहे। सोचने लगता था अच्छा मैं कैसे उगूं, बट ये करते 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 एक जगह आई जब मैं इंडस विजन मैंने ज्वाइन किया, गजनफर अली साहब के साथ काम शुरू किया, इकबाल साहब भी थे साथ, और इन्होंने ही मुझे रेकमेंड किया था। तो गजनफर साहब ने मुझे कहा कि चल भाई आ जा। ओके। अच्छा, गजनफर साहब के लिए मशहूर है, उनको कोई लकड़ी का तना भी दे देता था ना, वो उसे भी कहते थे चल भाई डायरेक्शन कर। तो मेरे जैसे बेकार आदमी को उन्होंने खड़ा कर दिया, कहने लगे बेटा डायरेक्शन कर। मैंने कहा अच्छा सर मैं कर देता हूँ, मगर मैं क्या करूँ? तो कहने लगे मिस्ट्री थिएटर्स हो रहे हैं, उसकी सीरीज है, उसमें से एक प्ले कोई भी कर, उठा या अपना लिखवा। ओके। तो मेरे जहन में बचपन में कहानी मैंने पढ़ी थी छिपकली के हवाले से। छिपकली इज अ यूनिसेक्स वर्ड, मेल और फीमेल बोथ, दोनों के लिए यूज होता है छिपकली। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई नेवर थॉट अबाउट इट। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो छिपकली पे मैंने एक प्ले लिखा, खुद लिखा जी। मुझे कोई राइटर लिख के देने के लिए तैयार नहीं था छिपकली पे। जकिया अकबर साहबा एक राइटर होती थी, बहुत प्यारी राइटर थी, बहुत प्यारा इंसान थी, वो बिजी बहुत थी, कुछ और राइटर्स भी थे, उन्होंने मना कर दिया लिख के देने को कि नया डायरेक्टर है, पता नहीं हमारे प्ले के साथ क्या करे। मैंने कहा अच्छा बोल भी रहा है छिपकली पे लिखो, तो खुद ही लिखता हूँ। तो मैंने वो लिखा बैठ के, जो भी मेरा कॉन्सेप्ट था। फिर उस्ताद इकबाल अंसारी दिखाया, मैंने कहा सर ये प्ले लिखा है। उन्होंने पढ़ा, देखा, कहने लगे इसमें यूं यूं कर लें, यूं कर लें। मैंने कर भी लिया। फिर कहने लगे कि ये प्ले आपको पता है आपने क्या सब्जेक्ट उठाया है?
मैंने कहा सर सीरियसली पूछें तो मुझे नहीं पता, बस ये कहानी जहन में थी, मैंने इस पर एक प्ले लिख लिया। कह लेंगे दिस इज सोशल साइकोलॉजिकल प्ले एंड दिस इज द हार्डेस्ट पॉइंट कैटेगरी, यस, जो आपने चूज की है। साइकोलॉजिकल प्ले करना इतना आसान है, रोमांस सोशल एंड साइकोलॉजिकल प्ले, ये आप कैसे करेंगे? महंगा बॉस मुझे नहीं पता। अब तो डायरेक्टर फाड़ के निकलने को तैयार है, तो अब आप ट्राई करें, अब आप उसको फाड़ने दें, अब आप फटने दें, अब आप रोके नहीं। हाँ, रोके नहीं। तो ही सेड के अच्छा ठीक है करो। हाँ। तो लो जी मैं वो प्ले करने निकल गया, एक नया लड़का था उसको लिया, साइमा कुरैशी को लिया। हाँ। और मैंने वो प्ले डायरेक्ट किया। जब वो मैंने प्ले डायरेक्ट किया तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री में उस वक्त ये होता था कि प्रीव्यू होता था और उसमें सब बैठ के प्रीव्यू करते थे, जितने मेरे कुलीग्स डायरेक्टर्स मेल फीमेल सब साथ होते थे। इकबाल साहब हेड ऑफ प्रोडक्शंस, गजनफर अली साहब भी कभी कभी होते थे कभी नहीं होते थे, सब बैठ गए, सबके प्ले का प्रीव्यू होता था, मेरे भी उस पहले प्ले का प्रीव्यू हुआ। तो जब वो प्रीव्यू हुआ तो इकबाल साहब ने प्रीव्यू ख़त्म होने के बाद सबसे कहा हाँ जी बताएं बताएं खराबियां बताएं अच्छाइयां बताएं खराबियां बताएं चलें जी डिस्कस करें। तो उस वक्त एंजेलिन हमारे साथ होती थी, लैला थी, मैं था, इरफान था, मोहसिन मिर्ज़ा हमारे साथ होता था, हम सारे बैठ गए और मेरी जनाब उन्होंने इज्जत उतारनी शुरू कर दी। इसमें यूं था, इसमें यूं था, समझी थी बड़ा अच्छा होगा ये तो। नहीं नहीं, ओहो, सबने अपने 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 पॉइंट दिए। हाँ। तो उसके बाद इकबाल साहब कहने लगे कि मैंने भी पूरा प्ले देखा, जैसा भी है ठीक है, अच्छाइयाँ भी हैं कुछ बुराइयाँ भी हैं, बट मुझे इतना बताया कि पूरा प्ले मैंने अपने एक हिप पे बैठ के देखा, इतना वो था, आई कैन नॉट चेंज माई हिप इवन, इतना वो उसने मुझे पकड़ लिया था प्ले ने। यानी कुछ भी हो प्ले में एक इंटरेस्ट था, उन्होंने ये कहा तो मेरी जरा हिम्मत बनी, मैंने कहा ओके, मेरा उस्ताद ने मेरे पहले प्ले के लिए, मेरे डेब्यू प्ले के लिए, तो वो छिपकली मैंने किया था, वो मेरा डेब्यू नाम भी छिपकली था। हाँ, छिपकली था। मुझे बहुत सी चीजें पता होती है, मैं आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बुलवा रही होती हूँ, क्योंकि मैं अगर खुद बताना चाहूँ तो अजीब सा भी लगता है। तो नहीं नहीं, वो तो मुझे अंदाजा हो गया आपसे इंटरव्यू से पहले, जब हमने 10 मिनट गुफ्तगू की है उसमें अंदाजा हो गया। एक दफा कभी किसी से कुछ सवाल पूछा नीचे लोगों ने, अराबिया आपको तमीज होनी चाहिए कि आपने गेस्ट को बुलाया, आपको ये नहीं पता। मैंने कहा यार मुझे पता है, लेकिन कभी कभी यू नो आई कांट टेल यू, आपका छिपकली का प्ले था, ओ आपने मेरे हुजूर किया था, वो कितना अजीब सा लगेगा ना, तो वो एक कॉन्वर्सेशन में चल रहा होता है। आप अभी भी बोलेंगे एक्टिंग इजी मनी है, इजी मनी है, यस, यू विल से दैट। अगर मैं डायरेक्शन से इसको इसका मुवाजना करूंगा तो एक्टिंग जो है वो इजी मनी है। डायरेक्टर का अब तो खैर डायरेक्टर को मुंशी बना दिया गया है, बट अदरवाइज डायरेक्शन जो है ना वो बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। एक्टिंग इतना जिम्मेदारी वाला नहीं है जितना डायरेक्शन है, है एक्टिंग भी है। हाँ। लेकिन डायरेक्टर तो बहुत पेंस लेता है भाई, डायरेक्टर तो यस वो तो लेके उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी, तो हर चीज की जिम्मेदारी है। मैं तो कहती हूँ वो तो है, मुझे अभी भी डायरेक्शन मुश्किल लगता है जबकि मेरा पैशन है वो काम, और एक्टिंग जो है वो मुझे डायरेक्शन के मुकाबले में इजी लगता है। लास्ट आपने सबूर और जुबान राना वाला जिसमें आप भी थे, मेरे खुदा वो किया था आपने डायरेक्ट, उसके बाद में एंड दैट वाज 2018। यस। तो अब दोबारा इरादा नहीं है करने का, कुछ आ नहीं रहा ऐसा प्रोजेक्ट जिससे आपका डायरेक्टर दोबारा, वो जो अब तो वो फाड़ के निकल आया दरख्त, लेकिन वो छुपा हुआ है कहीं, वो दोबारा नहीं आ रहा। मैं आपको एक बात बड़े मजे की बताता हूँ, इस काम के लिए जो हम करते हैं, चाहे एक्टर हो चाहे डायरेक्टर हो, हमारी इस फील्ड से रिलेटेड काम, दुनिया के हर काम में ये होता है कि जब तक आपको वो काम आता नहीं ना आपके लिए मुश्किल होता है, लेकिन जब वो काम करना आ जाता है तो वो कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। बिल्कुल। इस काम के लिए उल्टी सेइंग है, जब तक आपको ये काम करना नहीं आता तब तक ये बहुत 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 आसान है, और जब करना आ जाता है लेकिन तो... जब आपको ये समझ आने लग जाता है ना काम, तो ये मुश्किल हो जाता है। आपने बहुत जबरदस्त बात बोली है डायरेक्शन के बारे में, तो ये इतना मुश्किल काम है डायरेक्शन कि मैं आपको, इसमें जान लगती है, इसमें रातें लगती हैं, इसमें खून लगता है, बट यही तो टाइम है ना। अब तो निकल गया वो टाइम जब आप मजबूरी में थे कि जेब में पैसे चाहिए, अब तो आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आप ये सब करें। शुक्र अल्लाह। मैंने सुना है कि आप लोगों के नाम भूल जाते हैं तो मुझे ये बताएं, सवाल मेरा ही, कभी ऐसा हुआ कि सेट पे गए और आपके साथ जो को एक्टर हैं उनका नाम नहीं याद आ रहा? बहुत दफा। या कुछ कोई मजे का किस्सा सुना सकते हैं, फंस गए और वो जो आप चंदा बोलते हैं उसको चंदा भी नहीं बोल सकते थे आप, तो फिर क्या किया आपने? नहीं, चंदा मैं बोल लेता हूँ। हाँ। मैं बड़ा ब्लंट आदमी हूँ। हाँ। हाँ, इधर से टेंशन न ले। मैंने ये बोलना क्यों शुरू किया,
मैं सॉरी काट के, चंदा के पीछे भी कहानी है जो मुझे कैमरे से पहले पता चली थी, इसीलिए मैंने कहा इसको जिक्र करते हैं। एक फिर हम नाम मैं भूल जाता हूँ, मेरा एक है हमेशा का प्रॉब्लम, तो उसमें ये होता है कि जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक ये शायद इतना मैं महसूस भी नहीं करता था। शादी के बाद ज़रा ज़्यादा जब मैं लोगों से मिलने लगा, ससुराल एक बन गई, ससुराल जाने लगा, तो मेरी बीवी के कज़न्स जो मेरे भी कज़न्स लगे, फिर उसके बाद मुझे बहुत सारे माशाल्लाह, अब मुझे नामों का प्रॉब्लम, तो मैं ही अटक जाता था कि अच्छा इतने सारे जमा होगा, इसका क्या नाम था, इसका क्या नाम था, तो वो माशाल्लाह ने दिया भी भर भर के, झोलियाँ भर भर के दिया है। तो मैं क्या करता था कि मैं कहा ओ बेटा इधर आ, मेरा बच्चा इधर आ, शाबाश जिंदाबाद, तो इस तरह करके काम करा लिया करता था। तो मुझे आदत पड़ गई वहाँ से बेटा, चंदा, जानू, चांद, ये लव्स कहने की, इसको कभी किसी ने माइंड नहीं किया लाइफ में। एवरी वन नोज मी के यार शोध भाई ऐसे ही बात करते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि इसके पीछे राज क्या है। इसके पीछे राज ये है कि मैं नाम भूल जाता हूं। आज राज खुल गया है, लेकिन मुझे ये बताएं कुछ किस्सा हुआ जहां पे आप नाम भूले और फिर फंसे। मेरे खुदाया में जुबाब के साथ ही हुआ, जुबाब राणा, क्या हुआ, शी वाज माय हीरोइन, मैं नाम भूल गया। फिर अच्छा अब क्या हुआ, जब मैंने उसको बुलाना है तो मैं कह रहा हूँ, और आप तो डायरेक्ट भी कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं कहा सुनो अपना चंदा जानी इधर आ मेरा बच्चा। जैसे ही मैंने जानी कहा ना, उसके चेहरे पे एक रंग आया, एक गया। उसने कहा आपने मुझे ये क्यों कहा जानी? मैंने कहा यार आई एम सॉरी, तुम्हें बुरा लगा तो, मैंने तो मेरी आदत है, मैं इसलिए कह गया, बट आई एम सॉरी। तो कहने की नहीं प्लीज मुझे ये ना कहा करें जानी वानी। तो मैं शर्मिंदा हुआ, मुझे लगा यार ये तो मैं बड्डा हो गया मुझसे, तो मैंने फिर उसको जानी नहीं कहा। लेकिन आफ्टर सम टाइम वो रियलाइज कर गई तो वो आई, फिर उसने हाँ जवाब ने इतने स्वीटली मुझसे फिर कहने की नहीं नहीं शोध भाई आप जो चाहे कह लिया करें मुझे, आई अंडरस्टैंड यू, आई अंडरस्टैंड यू। तो वो इस तरह के बहुत होते हैं केसेस, शुरू में तो बहुत हुए, अब सबको पता है कि फारिग आदमी है, जिनको नहीं भी पता अब उनको पता चल जाएगा। अल्लाह हू अकबर, लाइफ में बहुत कुछ हुआ, दैट्स ट्रू, माशाल्लाह से लाइफ में बारिश भी हुई, धूप भी निकली, कभी कभी बहुत सख्त धूप निकली, कभी कभी क्लाउडी सा रहा, इवन लाइट रही। गॉड से बड़ा डायरेक्टर कोई नहीं है। और मेरा अगला सवाल भी अल्लाह और आपके बारे में था, और आप खुद ही उस टॉपिक की तरफ ले आए, पता नहीं कैसे आ गए, है ना? नो, इट्स जस्ट सो, आर यू अ स्पिरिचुअल पर्सन? आप स्पिरिचुअल हैं, और अल्लाह के साथ मुझे लगता है जितना मैंने देखा आपका बड़ा एक डीप सा कनेक्शन मुझे नजर आया आपकी बातों से, वो हमेशा से शुरू से इतने करीब थे आप अल्लाह के, ये कनेक्शन था आपका, इतना ट्रस्ट था जितना मैंने आपको सुना है, इतना यकीन था अल्लाह पे और उन अल्लाह की जो डिसीजंस हैं उसके ऊपर, या कुछ ज़िंदगी में हुआ? कभी कभी ऐसा होता है ना ज़िंदगी में कुछ चीज़ें होती हैं फिर आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार अल्लाह तो अल्लाह की ही ज़ात है, मतलब वो यकीन होता है लेकिन वो यकीन दुबाला हो जाता है या और पुख्ता हो जाता है। तो ज़िंदगी में कुछ हुआ कि आप इतना यकीन करते हैं, इस तरह की रिलेशनशिप है अल्लाह से आपकी, या ये शुरू से ही ऐसी थी कि गॉड अल्लाह ने आपको अता किया वाला शुरू से? जो जो अल्लाह को मानता है अल्लाह का उससे रिश्ता तो होता है, बिल्कुल। और मैं सिर्फ मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे बहुत से जोइश भी हैं, बहुत से क्रिश्चियंस भी हैं, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह का उनसे भी एक रिश्ता है। और जो अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह का उनसे भी एक रिश्ता है। ठीक है, अच्छा एक किस्सा चले आज आपको बता देते हैं जो आज तक मैंने डिस्कस नहीं किया, सुसाइड वाला। मैंने अपनी लाइफ में एक दफा सुसाइड अटेम्प्ट किया है, किया नहीं है, करते करते रह गया, मुझे पता था हराम मौत है। मेरे घर में प्रैक्टिस करते थे इस्लाम, बाकायदा प्रॉपर प्रैक्टिस करने वाले मुस्लिम्स हैं, मैंने उन्हीं के बीच तरबियत पाई है, मुझे पता था हराम मौत। मगर कुछ इंसिडेंट्स लाइफ के ऐसे थे बिल्कुल स्टार्ट में, जब मैं इस फील्ड में भी नहीं था, तो मुझे लगा कि मुझे अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेना चाहिए, जबकि मैं जानता था ये हराम का। वहाँ बड़ा एक ड्रामेटिक सीन है मेरी ज़िंदगी का, जब मैं हाथ पे जहर और एक हाथ में ग्लास लेके खड़ा था और उसको खाने के लिए यूं कर रहा था, तो लुक मेरी यूं आसमान की तरफ गई, पता नहीं क्या अल्लाह पाक ने उसको जहन में डाला, और मैंने कहा कि अल्लाह पाक मुझे पता है मैं हराम काम कर रहा हूँ, मैं करना नहीं चाहता, लेकिन बस मेरी बस हो गई है। तो मेरे दिल में अल्लाह पाक अपने बंदे से जो कलाम करते हैं ना, वो करते हैं इल्हाम के ज़रिए, ख्वाब के ज़रिए। तो उस वक्त एक इल्हाम दिल में पैदा हुआ, और वो ये हुआ कि देख लेंगे यार जो होगा, लानत भेजते हैं, देखते हैं, करते हैं। तो वहाँ से एक नई ज़िंदगी का स्टार्ट लिया, वो टर्निंग पॉइंट था।
वो वाकई टर्निंग पॉइंट था। ये हर उस शख्स के लिए मैसेज है जो अपनी ज़िंदगी में कहीं इस मकाम पे आ जाता है जहाँ वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का सोचता है, उसके लिए एक मैसेज है कि लाइफ लड़ने का नाम है, जो मुझे खुद बाद में पता चला। कितनी खूबसूरत बात बोली आपने। लाइफ हारने जीतने का नाम नहीं है, नहीं है। आपकी लाइफ में जीत आ जाएगी ये लाइफ नहीं है, ये जिंदगी नहीं है। आपकी लाइफ में हार आ जाएगी ये भी जिंदगी नहीं है। इस हार और जीत के बीच में एक रास्ता है जिसको हम कहते हैं लड़ाई का रास्ता, स्ट्रगल का, कोशिश का रास्ता। ये करते रहना ही तो जिंदगी है। ट्रू, सही बात है। तो आपको कुछ नहीं मिला, आप कैसे अपनी जिंदगी खत्म कर सकते हैं? या आपको कुछ मिल गया तो आप कैसे अपने पटरी से उतर सकते हैं? यू नो, तो ट्रैक पर रहना बड़ा जरूरी है। एंड ट्रैक इज, अल्टीमेट ट्रैक इज कि आपने कोशिश करते रहनी है। वहां से ये यू टर्न एक लाइफ का शुरू हुआ मेरा, और फिर उसके बाद मैंने पलट के नहीं देखा, और फिर मेरे अल्लाह ने मुझे पलट के देखने भी नहीं दिया। तो ये जो आपको सवाल था ना कि अल्लाह के साथ एक रिलेशन, ये हर किसी का होता है। कुरान में जब जब मोमिन का जिक्र आता है तब तब नेमतों का जिक्र आता है। जहां जहां जहन्नम का जिक्र आता है वहां वहां शिर्क करने वालों का जिक्र आता है। तो अल्लाह पाक ने तो कुरान पढ़ने के लिए जो कह रहे हैं ना, पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, पढ़ो रोज, पढ़ो, प्रैक्टिस में डालो, मीनिंग के साथ पढ़ लो। बहुत मुश्किल लगता है, देखिए कोई भी ऐसी जबान जो हमारे लिए स्पोकन नहीं है, हम समझ नहीं सकते ज्यादा या बोल नहीं सकते, तो उसको पढ़ना मुश्किल लगता है। सही बात है। तो ये बहुत नेचुरल सा फिनोमेना है कि कोई भी आदमी पाकिस्तानी जब अरबी रोज पढ़ेगा या घर वाले कहेंगे कुरान पढ़ो, कुरान को एम्फोसिस करेंगे, तो कुरान की तरफ दिल नहीं आएगा। तो कुरान की तरफ दिल लाने के लिए क्या जरूरी है? वो अल्लाह पाक ने तरतीब बता दी है कुरान में, थोड़ा पढ़ो, एक सतर पढ़ लो, बट रोज पढ़ लो। एक सतर आज पढ़ ली, उसके अगले सतर कल पढ़ लेना, और मीनिंग के साथ पढ़ लो। 5 मिनट भी नहीं लगते, 4 मिनट भी नहीं लगते, कुछ समझ तो आए, दिमाग में तो जाए कुछ, कुछ तो आए, पढ़ोगे तो आएगा ना समझ। अल्लाह पाक बहुत प्यार से समझा देते हैं। उन्होंने बहुत इनडायरेक्टली आपको सही तरीके से ही बता दिया कि अगर ये अमल करोगे तो जन्नती तो हो, मैंने तो रखा है कुरान में, बार बार जिक्र कर रहा हूँ। ये अमल से हट जाओगे तो फिर बेटा तुम्हारे लिए जरा सख्ती है, तो संभालो खुद को, संभालना बहुत ज़रूरी है। कुरान इट्सेल्फ उस्ताद है। तो स्पिरिचुअल अगर आप पूछती हैं कि मैं हूँ या नहीं हूँ, तो मैं हूँ। मैं परसेंटेज नहीं बता सकता कि मैं कितना हूँ कितना नहीं हूँ, लेकिन मैं हूँ। मैं इस बात का यकीन रखता हूँ कि हर वो महफिल जिसमें ज़िक्र इलाही, ज़िक्र ईमान, ज़िक्र दीन या ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो, वो महफिल बेकार महफिल है। आप किसी भी महफिल में बैठे, आपको अल्लाह पाक हंसने बोलने को मना नहीं करते, चिल करें, मजाक करें, हंसे बोलें, मगर जिक्र इलाही भी जरूर करें, और पाक कर लें उस महफिल को। और आपने इतने अच्छे तरीके से आज हमारी गुफ्तगू में ये कर दिया है ना, हो गया आदतन। उसके बाद मैं एक्टिंग भी करता हूँ जी, मैं बाकी सारी चीजें भी घूमता फिरता हूँ, मजे करता हूँ, लेकिन हाँ मैं स्पिरिचुअल हूँ। क्या आपका फेवरेट चीज है? माय वाइफ, फादरहुड। मैं फादरहुड की बात कर रही थी, एज अ फादर, मतलब क्या चीज आपको बहुत एंजॉय करते हैं आप बीइंग अ फादर? मुझे लगता है आपकी 3 बेटियां हैं ना, बेटियों और बाप का मुझे लगता है रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत और बहुत ही डिफरेंट होता है। माँ और बेटियों का होता है एक अपना, लेकिन जो बाप के साथ होते हैं ना, लाइक बाप की एक बात भी बोल देना तो बेटी बड़ी सेंसिटिवली ले भी लेती है, और बाप की एक तारीफ भी हो जाए तो लगता है उसको कि उसकी ईद होगी, अवार्ड मिल गया उसको। आपको लगता है ऐसा? मुझे नहीं पता। हाँ, एक्सप्रेसिव नहीं है आप लोग आपस? बहुत ज्यादा। फिर तो पता होना, आके हक नहीं करती कि बाबा नहीं, हर वक्त हक किए रखती है, हक आके हक करने का मौका ही नहीं आता ना, वो हर वक्त ही लिपटे रहते हैं सारे। मैं बाप नहीं बना एक्चुअली। मैं, मेरे अब्बू जो थे वो एक बहुत अच्छे दोस्त थे। खिलाओ सोने करने वाला, देखो शेर की नज़र से, कहने को पुरानी बात है लेकिन मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। मेरा बाप मेरा ऐसा दोस्त था कि जब मैंने पहली, जो मेरी बीवी है उसको मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में देखा था, और मुझे पहला प्यार हुआ था जिंदगी में, पहला और आखिरी प्यार, पहला और आखिरी प्यार। तो आप यकीन करेंगे कि मुझे, आखिरी तो नहीं कह सकते, पहला कह सकते हैं। ओके। तो वो प्यार मैंने जाके सबसे पहले अपने बाप से डिस्कस किया था, ऐसा बाप, ठीक है। और ये उस जमाने में, मैं तो हैरान रह गई, आज से ठीक 27-28 साल पहले, 27 years back, तो मैंने अपने बाप को जाके बताया था, नहीं इवन सॉरी मोर देन 27 years, क्योंकि 27 साल तो मेरी शादी को ही हो गए माशाल्लाह।
और दूसरी तरफ अब्बू से डर ऐसा था कि जान निकल जाती थी। एक अजीब सा मेरा बाप था, यानी इतनी कंप्लीट, इतना कंप्लीट ह्यूमन मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा कि हर तरफ पूरा था। मैंने अपने बाप को किसी जगह अधूरा नहीं पाया, तो हर तरफ से ही पूरे थे। तो मैंने पूरी जिंदगी लगा दी इस चक्कर में कि मैं अपने बाप जैसे ही बाप बन जाऊं, जो कि मैं यकीनी तौर पे नहीं बन सका, मगर मेरी ख्वाहिश थी। You idolized मेरा बाप बेहतरीन इंसान था, बेहतरीन बाप था, बेहतरीन दोस्त था, माशाल्लाह। और सबके लिए, जब मेरी बीवी शादी होके आई है तो पता चला मेरा बाप तो मेरी बीवी के लिए भी दोस्त है। वो दोनों साथ चिपक के बैठ जाते थे और वो टीवी भी साथ ही होता था। जो रिमोट हमें कभी जिंदगी में नहीं मिला वो बहू को ऑफर हो जाता था। वो बहू बैठी देख रही होती थी, ससुर भी बैठे देख रहे होते थे। चाय बना के वो ले आती थी तो बाप बेटी दोनों चाय लेके बैठे हैं। मैं अब्बू नहीं हूँ, बगल में लिया हुआ बहू को और वो रिमोट लिए बैठी हैं। और हम तीनों बहन भाई गुस्से से देख रहे होते थे कि यार ये क्या अब्बू क्या चीज़ है यार। हमें तो, हम रिमोट उठाते थे और अब्बू कहते थे या न्यूज़ या स्पोर्ट्स, और अब उसके साथ बैठ के ऐनक वाला जिन भी देख रहे हैं, क्योंकि वो ऐनक वाला जिन देखती थी। छोटी उम्र में शादी हुई थी तो शायद इस वजह से। बट अब्बू मेरे बहुत प्यारे आदमी थे, तो मैंने वैसा बाप बनने की कोशिश की है। मगर डेफिनेटली कमियां, अल्लाह की जात के सिवा कोई भी मुकम्मल नहीं है, तो कमी है कहीं ना कहीं रह जाती है। डंक कैसा आया आपके पास? मेरे पास तो डंक नहीं है, लेकिन अल्लाह ने दिया ही नहीं तो कभी चलाया भी नहीं। डंक आया जी ऐसे कि बिग बैंग मेरे लिए मेरे घर की तरह, मेरे बिल्कुल फैमिली है। सारे के सारे बच्चे जितने भी हैं, फहद बहुत रिस्पेक्ट करता है, बहुत जेंटलमैन आदमी है। और ट्रूली मतलब ये बात मैं, मेरा अल्लाह गवाह है, मैं सिर्फ ज़बान से नहीं कह रहा, मैं दिल से कह रहा हूँ, अली है, डॉक्टर अली, रिस्पेक्ट देना जानते हैं लोगों को। अरसलान है, बदर हमारा डायरेक्टर था उसका, इस सारे बिल्कुल फैमिली की तरह। तो अरसलान कॉल्ड मी, अरसलान छूद भाई एक स्क्रिप्ट है इस तरह का, बदर कर रहा है। तो मैंने इस प्रोडक्शन को कभी, मेरे साथ कभी बहस ही नहीं हुई किसी चीज़ में। मैंने कहा बेटा डेट्स भेज दे, स्क्रिप्ट भेज दे, बस खत्म बात। आपने कुछ और नहीं पूछा? नहीं, पूछने की जरूरत भी नहीं थी, डायरेक्टर पता चल चुका था बदर कर रहा है। स्क्रिप्ट बिग बैंग ने करना है तो अच्छा ही स्क्रिप्ट उठाया होगा ये तय। और पैसों की और इन चीज़ों की बहस का फायदा ही कोई नहीं बिग बैंग के साथ, क्योंकि वो आपको, आपके साथ बहस नहीं करते, वो आपको रिस्पेक्ट देते हैं। एज आपको शायद फील कराते हैं, सेलेब्रिटी होना किसे कहते हैं, हमने तो नहीं फील किया इस फील्ड में, रहते हुए फील नहीं किया, बट वो फील कराते हैं। बिग बैंग फील कराता है कि आप सेलेब्रिटी हैं, तो इसलिए उनसे मैं किसी चीज़ में मेरी बहस नहीं है। तो जब आपने कैरेक्टर पढ़ा तो क्या दिमाग में आया कुछ? सच्ची बताऊँ मैंने पढ़ा ही नहीं था। अच्छा, बस सेट पे पहुँच जाते थे आप याद करके? याद करके भी नहीं, बस सेट पे पहुँच, मतलब उसी वक्त डायलॉग। मैंने डायरेक्टर से बात की, मैंने कहा क्या करेक्टर सोचा भाई, वो मुझे बता दो। अच्छा, इसमें एक मिथ है, एक टेक्निक है मेरी। मुझे जब कोई स्क्रिप्ट भेजता है ना, मैं कहता हूँ मैंने नहीं पढ़ना, मेरी डायरेक्टर से मीटिंग करा दो या मेरी एक कन्वर्सेशन करा दो जरा लंबी, जिसमें मैं उससे सवाल कर सकूँ। ओके, उसके बाद स्क्रिप्ट आपने पढ़ा नहीं है, फिर सवाल कैसे करेंगे? उसके बाद सवाल, उसके बाद स्क्रिप्ट पढ़ूंगा। ओके, वजह क्या है, ये शायद सिर्फ मेरे साथ है, इसलिए मैं इसको उस तरह जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा जैसे सब समझ पाए, लेकिन जो मैं समझता हूँ, अगर मैं कहानी पढ़ूँ, आप भी जब कोई कहानी पढ़ते थे बचपन से लेकर आज तक, तो आप अपने जहन में एक विजुअल बना लेते हैं उसका, आप विजुअलाइज करते हैं बिल्कुल, और उसके अंदर आप एक गली बना लेते हैं, एक मोहल्ला बना लेते हैं, एक पहाड़ बना लेते हैं, एक महल बना लेते हैं। इसी तरह जब मैं कहानी पढ़ रहा हूँ तो मैं अपने दिमाग में अपने करेक्टर को कुछ बना लूंगा, और अगर बाद में वो कॉन्ट्रडिक्ट कर गया डायरेक्टर के करेक्टर से तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना उसमें उतरना। तो मैं कहता हूँ अभी मेरा तो रखो साइड पर, मैंने पढ़ना ही नहीं। तो डायरेक्टर से बात की, मैंने कहा भाई आप इस करेक्टर को कैसे देखते हैं? अब डायरेक्टर शुरू हुआ, भैया एक ऐसा बाप है, दबंग बाप है, डांट भी सकता है, मार भी सकता है, और लेकिन बच्चों से प्यार भी बहुत करता है। अब वो बनना शुरू हो गया करेक्टर। अब विजुलाइज मैं क्या कर रहा हूँ, जो डायरेक्टर मुझे कराना चाह रहा है। जब उसने वो सारा मुझे बता दिया कि मेरी नज़र में ये करेक्टर ये है, तो मैंने कहा अब स्क्रिप्ट उठा लो, अब उस करेक्टर को जहन में रखते हुए पढ़ते हैं, तो कुदरती तौर पर कुछ वो बन जाता है जो शायद डायरेक्टर चाह रहा होता है, कमोबेश करीब करीब हम बना लेते हैं। इतना गुस्सा है उस कैरेक्टर में, तो उस, इट वाज इजी फॉर यू कि आप उस कैरेक्टर में जब जाते थे हर बार वो मतलब समझ नहीं आती कि इतना कहाँ से आ रहा है, क्या उसके लिए कभी ख्याल आता था कि थोड़ा सा फ्लैशबैक में दिखाते, क्योंकि वो समझ नहीं आ रही है कि इतना ज़्यादा क्यों कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है,
दोनों का शुरू से ना, डे वन से ही। अच्छा, ये मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट में तो जस्टिफाइड है। ओके, अगर लोगों को नहीं लग रहा या सबको नहीं लग रहा या कुछ को नहीं लग रहा तो वो शायद कुछ और वजह हो। स्क्रिप्ट में तो जस्टिफाइड था, एक सख्त आदमी था। यूजुअली होते हैं लोग, इस मिजाज के लोग होते हैं। लेकिन बड़े वाले बेटे के साथ ऐसा नहीं है वो, क्योंकि बड़े वाला जवाब नहीं देता ना। मैं आपको अपने घर की मिसाल देता हूँ। मुझे ये लगता है कि मैं हर दफा ठीक होता हूँ। मेरा बड़ा भाई जो है ना, मैं अम्मी मुझसे को बात कहती है ना, मैं अम्मी से कहता हूँ, अब्बू से भी मैं ये कहता था, मैं क्वेश्चन करता था व्हाई व्हेन। तो अक्सर बड़ों को क्वेश्चन करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं करता वही हूँ जो मेरे माँ बाप चाहते थे। मैंने उससे हटके नहीं किया। मेरा बड़ा भाई जो है उसने कभी क्वेश्चन नहीं किया, मगर उसने किया वो जो उसका उसका दिल चाह। भी अच्छा है वो, आज भी अच्छा है, मैं बुरा हूँ। हैदर की तरह ये होता है। इसी तरह इस कहानी में भी यही था। हैदर क्वेश्चन करता था। माँ बाप को अक्सर क्वेश्चन अच्छा नहीं लगता। इस तरह के करेक्टर्स हैं, तो मैंने वही करेक्टर तो करना था। वो कि मुझे क्वेश्चन अच्छा लगता है, लेकिन उस करेक्टर को नहीं लगता था। तो एक बेटा जो क्वेश्चन नहीं करता वो यस बॉस, तो वो बेटा प्यारा है। और जो बेटा क्वेश्चन करता है उसके ऊपर ज़रा सख्त है, और फिर वो वक्त के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला जाता है, तो वो सख्ती भी बढ़ती चली जाती है। तो ये जस्टिफाइड था मुझे लगता है। जो वो इतना गुस्से वाले कैरेक्टर्स आप जब सीन करते थे, तो कैसे, हाउ वुड यू गेट योरसेल्फ इनटू दैट? मजे की बात बताऊं बेटा, मैं अगर चीख देता हूँ ना, मैं अभी यहाँ शाउट करूंगा, मेरा गला बैठ जाएगा। मेरे गले को आदत नहीं है चीखने की। आप कभी लाइफ, हालांकि मैं गुस्सा करता हूँ, मैं नॉर्मल आदमी हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं चीख सकता। लेकिन करेक्टर सारे मुझे माशाल्लाह ऐसे देने लगे हैं कि बस चीखते रहो हर वक्त। वैसे मुझे लगा वो कैरेक्टर इतना चीख नहीं रहा था, लेकिन गुस्से में बात कर रहा था। मैं एक्चुअली तो यही चला गया ना गला बचाने की। बहुत जगह, बहुत कुछ जगहों पे चीख भी रहा था, लेकिन वो बिकॉज चीखना चलाना रहता है, लेकिन आप गुस्से में चीखे बगैर भी बात कर रहे हो, कर सकते हैं ना। तो वो मतलब नजर आता था कि उसका एंगर है, लेकिन वो चीख नहीं रहा होता था। बाप और बेटे में ईगो, बाप ने कह दिया कि ये मेरी जिद बन गया है, ये हो सकता है वाकई? ये अच्छा बोला जाते जाते एकदम से मुझे वो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी हुई, क्योंकि मुझे मैं बाप के लिए फील कर रही थी। मैं फील कर रही थी कि बाप को पता नहीं है कि ये, मतलब बाप के लिए बड़ा वो ट्रॉमा था, बड़ा दुख था कि यार ये मेरे बेटे ने क्या किया है। अगर हम बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो तो उसको तो लगता है ना कि हैदर गलत है। पहले मेरे भाई की बेटी से शादी से इनकार कर दिया, अब उसके ऊपर रेप अटेम्प्ट एंड यू नो ऑल दैट। तो वो मुझे लग रहा था कि बाप बेचारा, यू नो आई कुड फील हिज हर्ट। लेकिन ये भी मुझे था कि जब आपको पता चलेगा सच्चाई, तब इसके ऊपर क्या गुजरेगी। लेकिन ये जो ईगो वाली बात ले आया ना, जिद वाली बात ले आया बाप, वो मुझे लगा स्क्रिप्ट में थोड़ा सा झोल आया। क्योंकि बाप या तो ये कहता कि नहीं मैं तुम पे यकीन रखता हूँ, अमल को कहता, वो कहता कुछ भी है ये तो मेरी जिद बन गया है, अब तुमने जो भी करना है तुम जीतो इस चीज़ को। वो आपको लगा नहीं कि थोड़ा सा उसको बेहतर हैंडल करना चाहिए? बुनियादी तौर पे आप क्वेश्चन करते हैं चीज़ों को, बुनियादी तौर पे ये क्वेश्चन होना चाहिए राइटर से जी। ठीक है, मुझे ये नहीं लगा जो आप कह रही है ना, ये मैंने फील ही नहीं किया। आई विल कट यू, सॉरी सॉरी फॉर दैट। बिल्कुल राइटर्स होना चाहिए जो आएंगे, हाँ उस पर भी एक दिन बातचीत चल रही है। बट मुझे लगता है कि टीम होती है ना, स्पेशली एक्टर्स, यू आर नॉट अ न्यू कमर। अशोक साहब ने कहा था जो पूछना है पूछो, तो पूछे। आप तो नए नहीं हैं, आप तो काफ़ी अरसे से इस फील्ड में, आपकी एक पोजीशन है, मे बी आपकी अथॉरिटी आपकी वो उनसे ज़्यादा हो, जो लड़का भी एक साल या लड़की दो साल में आई है, तो मुझे लगता है आप पॉइंट रेस कर सकते हैं समथिंग जो राइटर या टीम की पॉइंट से निकल गई हो, नज़र से निकल गई हो, या जो समझ इतनी नहीं आ रही हो, या जिसको थोड़ा बेहतर हैंडल किया जा सकता है। इसलिए देखो, ओवरऑल तो हम डिस्कस नहीं कर सकते। ओके, दैट्स नॉट एथिक्स ऑफ दिस वर्क। हम अपने करेक्टर पे बात कर सकते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, हम कर लेते हैं जनरली गुफ्तगू जब डायरेक्टर हमारा दोस्त है, राइटर हमारा दोस्त है, हम एक साथ बैठे हैं, वो भाई ये क्या लिख दिया तूने यार, ये यूं कर दे, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको शुरू में कहा था कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, तो हमारे उन एक्सपीरियंसिस के बाद हम उस जगह आ गए हैं कि हम दखल देना हमने छोड़ दिया है। अब ये वो दौर नहीं है जो जब हमने स्टार्ट किया था, तो हमने देखा था कि बाकायदा सब बैठते हैं, राइटर भी बैठता है, डिस्कशन होती है, एक्टर्स भी सजेस्ट कर रहे होते थे यहाँ ये लाइन होती तो कैसा होता। और अक्सर राइटर्स एक ज़माने में सेट तक आया करते थे, क्या शूट कर रहे हैं मेरा स्क्रिप्ट, देखते भी थे, बैठते भी थे, सुनते भी थे। अब नहीं होता। कभी कभी तो तारीफ करके उठते थे कि यार ये लाइन तो मैंने लिखी नहीं थी, तुमने कितनी खूबसूरत बोल दी। ये भी होता था, ये बहुत प्रोडक्टिव टाइम था। अब नहीं होता, लेकिन हाँ
मैं पूछ सकता हूँ और मैं पूछता भी हूँ कई दफ़ा, लेकिन जो पॉइंट आप रेज कर रही हैं ना, ये मेरा पॉइंट ही नहीं था प्ले में, आपको कि बाप ने जिद क्यों बना लिया। और अगर बेटा असूल पे, सच की बुनियाद पे, असूल चीज होती है ना, उसकी बुनियाद पे बाप बेटे के बीच में जिद आ सकती है, नॉर्मल फिनोमेना है, क्यों नहीं आ सकती? माँ बेटे के बीच में आ सकती है, बाप बेटी के बीच में आ सकती है, मगर उसके पीछे कोई वजह होनी चाहिए ना। हम जो ये काम कर रहे हैं ये लॉजिक के साथ होता है काम, और लॉजिक कहाँ से लाते हैं हम? आपसे, हमसे, इर्द गिर्द से, जो ह्यूमनली पॉसिबल है हम उसको लॉजिक समझते हैं। आसमान की कहानी तो हम यहाँ बयान नहीं कर सकते, अगर मैं कहो काफ की कहानी सुनानी शुरू कर दूंगा तो उसमें फिर जो लॉजिक मैं दूंगा वो अगला मानेगा कि हाँ ये लॉजिक है, साइंस फिक्शन है, ये आदमी जो है साइंस फिक्शन कर रहा है या कुछ और कर रहा है या ये फिक्शन पे बात कर रहा है। लेकिन वो उसको कहता है कि तुम सही हो या गलत हो, अमल को कहता है मेरी जिद है इस पे, मतलब टू मी इट लाइक, देखने से हमें ये समझ आ रही थी कि बाप उस स्टेज से निकल गया है जहाँ उसे ये कंसर्न हो कि उसका बेटा सही कह रहा है या गलत कह रहा है, लेकिन वो जिद में आ गया, वो कह रहा है कि बस उसको हराना मेरा, उसको हराना मेरा काम है। ये मुझे उस सीन को देख के इंप्रेशन हुआ जिसमें मैंने क्वेश्चन किया, ये वाकई आप सही कह रही हैं, अगर ऐसा हुआ तो अब ये लॉजिकल बात है, क्योंकि मुझे बाप का कैरेक्टर ऐसा नहीं लगा। आई कुड, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, मैं बाप की पेन को समझ रही थी कि यार इस पे क्या गुजर रही होगी, समझते हुए फिर तो अनापरस्ती नजर आ गई, मतलब सेल्फिशनेस नजर आ रही है। अच्छा, और हो सकता है कहीं पे ऐसी जगह आई हो, मैं उसको जस्टिफाई नहीं करूंगा खामखा, जहां तक मुझे लगा मैंने जस्टिफाई किया, लेकिन हो सकता है क्योंकि एरर लेस काम, मैंने आपको बताया ना कि अल्लाह की जात के सिवा कोई नहीं है, तो हमसे होता है एरर, आता है हमारा, नहीं हो सकता एरर नहीं हो, मे बी इट इज सपोज्ड टू बी दैट वे, बट अगर सपोज टू बी तो वेयर इज लॉजिक? लॉजिक के बगैर हम काम कर नहीं सकते ना। लेकिन अमल से, अमल का जब इल्जाम लगा, मुमकिन है उसको बेटी, चूंकि इसने माना हुआ था घर में अपनी बेटी थी नहीं, दो बेटे अल्लाह ने दिए थे, और उसको शुरू से जब से, एक जगह जिक्र भी आया जहाँ मैंने लाइन ऐड की थी कि तुझे याद है जब तू मेरी गोद में आई थी, इतनी सी थी, मेरे हाथ में आई थी, गोरी चिट्टी मुस्कुराती हुई, तो वो उस इरावे चला गया था वो बात करते करते, क्योंकि वो उस वक्त से कहीं इन लव था बेटी से कि बेटी है नहीं, तो वो जो भाई की बेटी हुई तो उसी को उसने कहीं अपनी बेटी मान लिया हुआ था, तो ये वजह हो सकती है, मगर नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा, अगर ये एरर है तो होगा, यस। लेकिन अमल की बात पे बिल्कुल वो अंधाधुंध यकीन करता है, बेटी मानता है चूंकि, तो कर सकता है। लेकिन इतनी बड़ी बात, मतलब किसी ने उससे एक मिनट रुक के जस्टिफिकेशन कुछ भी पूछने की कोशिश नहीं की हैदर से कि यार हुआ क्या, उसको आते ही साथ बस उस पे जजमेंट कॉल कर ली। दूसरी तरफ मेरी बीवी है जो इसको बेटी की तरह मानती है ये सारी जिंदगी, लेकिन वो बेटे पे यकीन कर रही है और मैं उस बेटी पे यकीन कर रहा हूँ, तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू का इख्तलाफ होता है ना, एंगल का इख्तलाफ होता है एक्चुअली, यही तो होता है जिंदगी में, आपके और मेरे बीच अगर कोई इख्तलाफ आता है तो बुनियादी तौर पे आप गलत थोड़ी होते हैं जो मुझसे लड़ रहे होते हैं, और मैं अगर आपसे लड़ रहा हूँ तो मैं भी गलत नहीं होता जो आपसे लड़ रहा हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, जो देखने का एंगल है वो डिफरेंट होता है, उसकी वजह से ही तो लड़ाई होती है, उसी की वजह से तो आर्ग्यूमेंट बनता है। ड्रामा इज ऑल अबाउट कॉन्फ्लिक्ट, अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो ड्रामा नहीं है, ड्रामा ही नहीं चलेगा आगे। इस कॉन्सर्ट पे भी मैंने एक ड्रामा डायरेक्ट किया था ओके। कुछ होता क्यों नहीं, नाम ही देखे ना, कुछ होता क्यों नहीं, नहीं है विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। डंग पे एक और बड़ी कॉन्वर्सेशन हो रही वो है, क्या कि अब इस स्टेज पे जहाँ अदालत में पहुंच गया केस और आगे चल रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि प्रोफेसर हुमायूं पे बात वापस आएगी या नहीं आएगी, ये प्रोफेसर हुमायूं से ज्यादा हैदर का केस बन गया है, एंड क्योंकि वो प्रोफेसर हुमायूं पे एक बड़ी इम्पॉर्टेंट इशू को लेके चल रहा था, तो उस जब आपने ये आप लोग जैसे स्क्रिप्ट आपने अगर उस स्टेप बाय स्टेप भी पढ़ा, तब आपके भी दिमाग में आ रही थी ऐसी कोई बात? सुन रहे हैं आजकल आप कुछ सोचा आप? नहीं, हमें स्टेप बाय स्टेप नहीं मिला था, हमें तो स्क्रिप्ट मिल गया था, हमें पूरी कहानी का पता था, हम जब ड्रामा कर रहे थे तो हमें पता था एंड में क्या होने वाला है, तो हमें नहीं इतना फ़र्क पड़ा। लेकिन जो लोगों के सवाल का जवाब है वो यकीनन ऐसा है, क्योंकि अगर आप गौर करें तो जो मेरा बेटा है वो लड़ क्या रहा है अभी? तो अपनी इज्जत, मैं तो अपनी बहू की इज्जत बचा रहा हूँ, वो अपनी इज्जत, अपने घर को देख रहा हूँ, वो क्या कर रहा है? लोगों को लग रहा है कि वो अपनी इज्जत बचा रहा है, नहीं, वो सिर्फ अपनी इज्जत नहीं बचा रहा, वो एक्चुअली प्रोफेसर हुमायूं के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर लड़ रहा है, क्योंकि वो अब जिंदगी में उसका मिशन बन गया है कि वो आदमी जो एक कलंक लेके मर गया है वो किसी तरह अब उसको जस्टिफाई भी तो करे ना, क्योंकि उसकी नजर में वो सही था जो उसे बाद में पता चला, शुरू में उसने फाइट की उससे, लेकिन जब उसे पता चल गया हुमायूं ठीक था, तो अब वो जो लड़ रहा है अमल के साथ, उसकी मुसलसल एक लड़ाई है ड्रामे में, वो बेसिकली हुमायूं के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है।
लेकिन अभी तो अदालत में तो वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है ना, हम अभी तो लड़ेगा, हम देखा आगे जाके हम देखेंगे प्रोफेसर तो लड़ेगा, केस भी आगे जाएगा। मैं नहीं प्रेडिक्ट करना चाहूँगा okay. इस पे मेरे ख्याल है क्योंकि, मगर मैं ये इतना जरूर कहूँगा कि देखने वाला नाउम्मीद नहीं होगा। ओके चलें, दैट्स रियली गुड टू हियर, बिकॉज़ इंशाल्लाह उसको उसके सारे पॉइंट्स एंड में क्लियर मिलेंगे, क्योंकि हम उस पे बात कर रहे होते हैं तो लोगों ने हमें बड़ा वो किया भाई, क्यों आप लोग बोल रहे हैं ये तो ये हो रहा है, तो मैंने कहा भाई वेट तो कर लो, देखते हो आगे क्या होगा, क्योंकि फिर वो इतनी मेहनत सारी टीम की, राइटर की, डायरेक्टर की, एक्टर्स की, प्रोडक्शंस की, मैं खामखा कहानी रिवील कर दूं तो वो जाति की बात हो जाएगी। सो बिलाल और सना के साथ और अजीका के साथ काम करना कैसा है? अजीका के साथ तो मैं पहले भी कर चुका हूं, अजीका इज अ जान। ओके अजीका तो बहुत प्यारी लड़की है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, सेहत दे, अल्लाह सभी को दे और बाकियों को भी दे। लेकिन सना के साथ मेरा वो पहला एक्सपीरियंस था, तो पता चला कि सना तो बहुत ही जिगर बच्चा है। अच्छा हाँ, सना इज़ वेरी गुड। बिलाल बहुत प्यारा इंसान है, मतलब अच्छी तरबियत नज़र आती है, ब्लड लाइन पता चलती है, बातचीत से पता चलती है ना जब आप साथ उठते बैठते हैं। फहद इज़ फन, फहद बहुत जानू है। लैला तो मेरी पुरानी दोस्त है, हम तो शुरू से साथ हैं तकरीबन, इवन सीनियर टू मी, बट थोड़ा सा ही फ़र्क है, इतना ज़्यादा नहीं है, तो साथ ही हैं हम। सलमा, सलमा का पहला प्ले भी मेरे साथ ही था, इट वाज लंच, एहसन तालिश का डायरेक्ट किया हुआ, एहसन तालिश नया नया कराची आया था, उसने पहला प्ले यहाँ डायरेक्ट किया था, तो मैं और सलमा साथ थे, मैं सलमा और आयशा आलम कास्ट में थे हम साथ, तो सलमा तब से मेरी दोस्त है। सैफी, उसके बारे में कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं, सबको पता है, दोस्त बाश आदमी है, प्यारा इंसान है, तो टीम पूरी लवली, वेरी लवली, मज़ा आया। आखिर कब तक इतनी टॉक्सिक रिलेशनशिप होती है, हो सकती है, वो इंसान नहीं यार होती क्यों, है क्यों रहते हैं ऐसी रिलेशनशिप पे, मतलब वो मजबूरियां सल अपनी बीवी पे, मुझे समझ ही नहीं आ पा रही कि वो, मतलब वो इतना ज़्यादा नेगेटिव है अपनी वाइफ के साथ, वो इंसान उसको कोई चीज़ खुश नहीं करती। हमने आई थिंक जब से एपिसोड स्टार्ट हुई हमने उसको एक दफ़ा भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा है, कैसे हाँ, उसका करेक्टर है ही नहीं मुस्कुराने वाला, और जब मुस्कुराने का टाइम उसका आएगा तो मुंह टेढ़ा हो गया। होती है, मेरे ख्याल है होती है, आप क्वेश्चन नहीं करते ऐसे जब कैरेक्टर्स आते हैं, थोड़ा सा नॉर्मलिसी आपको किसने कहा, हमारी तो बकायदा बहसें होती हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपने कैरेक्टर की हद तक बात कर सकता हूं, तो हद तक बात कर रही तो की मैंने वही वाली बात की, उसामा से पहले बात हुई, मैंने कहा उसामा भाई मुझे समझा दो तुमने कैरेक्टर को किस तरह देखा है, वो समझाओ फिर मैं स्क्रिप्ट पे जाता हूं। उसने मुझे समझाया शोध भाई ऐसा 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 ऐसा, उस पर हमारी बातचीत भी, मैंने कहा यार तुम ऐसे ही गंदा लिया तो जा गालियां भी डाल दो इसमें, वो भी दे देता हूँ और क्या रह गया, इस तरह की बातें हम करते हैं। तो फिर ये था कि अच्छा इसको थोड़ा कम कर लें, माइल्ड कर लें, तो क्योंकि उसमें गुले राना का जो करेक्टर है वो भी बहुत नेगेटिव है, माँ का करेक्टर, तो मैंने कहा यार माँ नेगेटिव, बेटा नेगेटिव, उधर भाई नेगेटिव, भाई की बीवी नेगेटिव, तो इतने सारे नेगेटिव एक घर में जमा करके हम किसको कहानी किसकी तरफ लेके जा रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि सबकी कहीं ना कहीं अपनी कहानी है ना, तो उसको टैकल करके लेके चलते हैं, सीन वाइज लेके चलते हैं, कहीं माँ को ज्यादा कर देते हैं, कहीं ये माँ की बात सुनता है, मगर कि नेगेटिव ही रखना है, मगर रखना है, वो डायरेक्टर चाह रहा है, राइटर ने लिखा हुआ है, ऐसी ही कहानी अप्रूव हुई हुई है, तो हम उसमें बेसिक कोई चेंज नहीं करते, लेकिन हम क्या करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा अपने परफॉर्मेंस में चेंजेस लाते हैं जिससे वेरिएशन फील हो जाए। नहीं उस पे तो कोई मैं डाउट ही नहीं कर रही ना, मैं क्वेश्चन कर रही हूं कि वेरिएशन चंदा मैंने बताया ना, देखो वो दौर खत्म हो गया, लेकिन बस ये होता है कि मतलब मैं कहती हूँ कभी कभी आप लोग अपने ड्रामे को पूरा देखा करें, क्योंकि वो इशू इतना स्ट्रॉन्ग है, वो इतना ज़बरदस्त टॉपिक है कि मुझे लगा कि इन सब की ज़रूरत नहीं थी हमें इतनी नेगेटिविटी दिखाने की, क्योंकि कभी कभी वो दिखाते हैं कि नहीं यार लोगों को पता है, ये तो पहला मकालमा था मेरा कि सेट पे इतनी नेगेटिविटी क्यों है और आई वुड हैव लाइक बिकॉज ये ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो अपनी बीवियों को बिल्कुल समझते हैं कि ये तो कुछ है ही नहीं, यू नो जीरो है उसका, लेकिन कहीं ना कहीं तो नॉर्मल पॉइंट पे आ जाते हैं कि आराम से बात कर रहे होते हैं, कभी कुछ चंदा फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा, लेकिन फिर वेरी करते हैं। अब आप मेरा नाम भूल गए ना, नाम बता राबिया। चंदा तीन दफा बोला था मैंने, कहा नाम भूल गए। ठीक है, वेरी करता है। ठीक है, एक आदमी अल्लाह ने पैदा ऐसा किया है, देखें परफॉर्मेंस से पहले आपके पास वेरिएशन होनी चाहिए। ओके, वेरिएशन उसको नहीं कहते कि आपको कुछ करना आता है, वेरिएशन उसको कहते हैं कि आपको कम से कम पता है। मैं कितने लोगों से लाइफ में मिला हूं, किस किस तरह के लोगों को जानता हूं और कितने लोगों को जानता हूं, ये मेरी वेरिएशन है।
मैं वो परफॉर्म कर सकता हूँ नहीं कर सकता, ये अलग बहस है, मगर मेरी वेरिएशन ये है। अब अगर मेरे पास कोई 5,000 आदमी और 5,000 करेक्टर दिमाग में है जिसको मैं दुनिया से मिला हूँ या जानता हूँ, ये तो बहुत बड़ी रेंज बता दी मैंने। अगर 50 को भी जानता हूँ ना तो मैं पूरी जिंदगी खा सकता हूँ इस काम से। और मैं पॉइंट वेरी करता है। एक आदमी ऐसा है जो सख्त है, लेकिन वक्त में कुछ जगह जगह जिंदगी में ऐसी आती है जहाँ उसके अंदर एक चेंज ओवर आता है और वो एक बेटर ह्यूमन की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। पॉसिबल है, ह्यूमनली पॉसिबल है। एक आदमी ऐसा है जो पैदा ही सॉफ्ट हुआ है, बात ही सॉफ्ट करता है, बड़ा भी सॉफ्ट ही हो गया है, जिंदगी में कभी उसने गुस्सा ही नहीं किया, तो पॉसिबल है। इसी तरह एक आदमी है जो जब पैदा हुआ है, परफ्यूम देखी थी ना, याद नहीं है इस वक्त मुझे, वो पैदा ही गंद में हुआ था, तो वो पैदा होने से लेके गंदगी में बदबू में पैदा हुआ था, तो उसकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो मीलों दूर से सूंघ लेता है। क्या लॉजिक थी मतलब फिल्म की यार, तो भेड़िए की होती है या समंदर में शार्क की होती है कि वो दूर से स्मेल कर लेती, इंसान क्यों नहीं कर सकता? वो चीज ना समझ में आने वाली है, बट उसने यकीन दिला दिया ना डायरेक्टर ने कि हो सकता है। इसी तरह वेरी करता है। हमारे यहाँ जो करेक्टर्स हैं जो हम कर रहे हैं, इसमें कभी अच्छे से बुरा बन जाएगा, कभी बुरे से अच्छा बन जाएगा, कभी हमेशा बुरा रहेगा, कभी हमेशा अच्छा रहेगा। यही वेरिएशन है जो परफॉर्म करनी है। गिनती की 8 वेरिएशन है। इससे मैं बाहर कहाँ से निकल जाऊँ? अल्लाह ने 7 आसमान बनाए, 8वां मैं कहाँ से लाऊँ? तो जो मुझे दे दिया गया है, नेगेटिविटी कम कर ले, जो दे दिया गया है नेगेटिविटी कम कर ले, थोड़ा नॉर्मल नहीं, मगर फिर वही वाली बात ना कि वेरी करता है। कुछ कहानियों में गुंजाइश होगी कम कर लेने की, कर लेंगे, कुछ कहानियों में गुंजाइश नहीं होगी, तो देखने वाले को देखना पड़ेगा और उसको उस तरह से समझ ले, कहानी को उस तरह देख ले, तो ये वाला मसला खत्म हो जाएगा बीच में। मतलब आप कह रहे हैं बस हम एक्सेप्ट कर लें कि नेगेटिविटी नहीं 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 और हम उस पे नहीं नहीं नहीं, आप क्वेश्चन करें, मगर जब क्वेश्चन का आंसर मिले तो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ये है मेरी डिमांड। क्वेश्चन करने को नहीं मना कर रहा ना, मैं ये कह रहा कि जो मैं दिखा रहा हूँ वो देखते रहें चुप करके, बोले ही नहीं। नो, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो दिखा रहा हूँ उसके पीछे जो मैं लॉजिक दे रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कर लें, जो कि पॉसिबल है ह्यूमनली। मैं गलत बात नहीं कर रहा। या तो मैं आपको दिखाऊं कि शहूद अलवी आसमान से उड़ता हुआ उतरा है और वो एक नॉर्मल आदमी है, तो आप गालियां दें मुझे यार, आप कहें क्या कर रहा है ये आदमी यार, ये क्या दिखा रहा है हमें। आई एग्री, क्योंकि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो ह्यूमनली पॉसिबल है उस पर तो आप मुझे क्रिटिसाइज नहीं ना कर सकते। उस पर तो आप बल्कि कहेंगे कि हाँ, क्योंकि ये पॉसिबल है। हाँ, कोई 1.00 एक जगह पे 4 लोग नेगेटिव हो सकते हैं, 0.001% कोई एक शख्स इतना नाखुश जिंदगी में हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? हाँ, हम हमारे हमारे माशरे में ऐसे घर हैं। हाँ, लेकिन फिर क्वेश्चन दूसरा आ जाता है ना कि हमें क्या दिखाने की जरूरत है। नो, बिल्कुल सही है, बस बिल्कुल सही है, मगर क्या दिखाने की जरूरत नहीं है? अगेन नो, आई वुड से नहीं दिखाने, दिखाना चाहिए, क्यों नहीं दिखाना? अगेन आई वुड से डिपेंड ऑन द स्टोरी, क्योंकि इट्स स्टोरी इटसेल्फ हैज टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज गोइंग ऑन। देखो, ये सवाल पता है कब बनता था? जब हमारे यहाँ टर्किश कंटेंट बहुत आ रहा था। ये सवाल बनता था जब हमारे यहाँ इंडियन कंटेंट बहुत आ रहा था, जब हमने अपना प्राइम टाइम उठा के उनको दे दिया था। हम अपने लोगों को भूखा मारने लगे थे, अपने प्रोड्यूसर्स को भूखा मारने लगे थे। ये तब का सवाल था कि उन सब्जेक्ट्स की हमारे यहाँ जरूरत नहीं थी। इंडिया के माशरे में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ जरूरत नहीं थी। But it's a relief ना, जो मिलता है जब आप देख रहे देखें ना, कितनी कमाल बात है आपकी, मैं भी कुर्बान जाऊं आपकी सादगी में। मतलब आप एक ऐसी चीज को जो आपके माशरे, ये नहीं है कि दुनिया में मौजूद नहीं है, मौजूद है, मगर आपके माशरे से थोड़ी दूर की है, वो आपको रिलीफ दे रही है। लेकिन अपने माशरे में मौजूद कंटेंट जो है वो आपको रिलीफ नहीं दे रहा, लेकिन उस पे हमें मोनोटोनस फील हो रही है। नहीं, मोनोटोनस नहीं, उस पे हमें सोचना चाहिए कि वो रिलीफ क्यों नहीं दे रहा है। आप ले नहीं रहे। देखें, ड्रामा इस वक्त हफ्ते में हर चैनल पे एक दिन में 5 चल रहा है जी। अगर मैं गलत नहीं हूँ, 4 चल रहा होगा या 6 चल रहा होगा, और सारे दिनों के लगा लें तो 15 ड्रामे आप हर हफ्ते आपकी नजरों में से गुजरते हैं हर चैनल के मिला के, आपके पास बहुत वेरिएशन है। तो सोचे कितनी नेगेटिविटी हमें देखनी पड़ती नहीं है। तो सारे नेगेटिव थोड़ी है, 95%। एक मिनट, आप यहाँ जॉब करती हैं जी, आपके साथ आपके कोलीग्स हैं, क्या आप उनके साथ 100% मुत्तफिक हैं हर बात पे? नो। तो कॉन्फ्लिक्ट है ना यार, कॉन्फ्लिक्ट के बगैर ड्रामा ही नहीं है।
कॉन्फ्लिक्ट के बगैर आपकी लाइफ ही नहीं है. अल्लाह पाक ने कॉन्फ्लिक्ट के बगैर सिस्टम नहीं दिया, जबकि था. अल्लाह चाहते तो बगैर कॉन्फ्लिक्ट की दुनिया बनती, मगर शैतान मर्दूद का एक आना और मर्दूद मलून हो जाना और दुनिया में एक दूसरी एक नेगेटिव करेक्टर का डालना क्यों जरूरी था, ये आपकी मेरी बुनियाद में है. प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड. मैं आपसे इस दुनिया से बाहर की बात नहीं कर रहा. आपकी मेरी बेसिक्स में से एक अच्छा होगा, एक सही होगा, एक गलत होगा, यही ड्रामा बनता है. बिल्कुल. इसके अलावा ड्रामा, आप भी सही मैं भी सही, तो ड्रामा किधर गया? लेकिन उसमें बड़ी लंबी बहस हो जाएगी. नहीं नहीं, इट्स मेरे हिसाब से कंक्लूजन है ये. आप मान नहीं रही अलग बात है, मगर मैं कंक्लूड कर चुका हूँ. नेगेटिव और पॉजिटिव उसमें सही गलत ऑलरेडी है ना. उसमें उसमें दो जो बेटी का कैरेक्टर वो है, वो तो मेन थीम है ना, वो सही गलत है. मेन थीम है, हाँ. तो हमें अब यहाँ पे थोड़ा सा कम कर देते ताकि हम उस ड्रामे को ज्यादा देखते, अच्छे से देखते, और हम उस इशू पे ज्यादा वो समझ सकते. क्योंकि क्रिटिक करते हैं, अच्छा करते हैं. मैं आपसे कभी भी इत्तेफाक ऐसा नहीं हुआ कि मैं आपके अगेंस्ट जाऊं इस बात में, मगर मुझे लगता है यहाँ ज्यादा कर रहे हैं. नहीं करना चाहिए आपको इतना, इसमें इतना क्रिटिसिज्म की बात नहीं है बुनियादी तौर पर. करेक्टराइजेशन, कहानी को बढ़ाना, कॉन्फ्लिक्ट्स को लाना, फिर उन कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करना, फिर एक नया कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कर देना. Okay. और बुनियादी बातों पे मेरा टोस्ट क्यों जला दिया, इसके ऊपर मियां बीवी की लड़ाई हो जाना, विच इज वेरी वेरी नेचुरल. ये एग्जिस्ट करता है माशरे में. बिल्कुल. हाँ, आप ये ना करें कि आप डिप्रेशन क्रिएट करें. मैं नहीं चाहता माशरे में, मैं चाहता हूँ अच्छी बात करें. ये हो रहा है, यही मैं कम्युनिकेट करना चाह रही हूँ. मेरे हिसाब से नहीं हो रहा. क्योंकि अगर तो मैं कोई बुरी चीज दिखाऊं और फिर मैं उसको कंक्लूड ना करूं, मैं उसको अच्छी की तरफ ना लेके जाऊं और मैं एंड में आपको ये ना दिखाऊं कि देखिए बुराई की हार हो गई और अच्छाई की जीत हो गई, तो आप मुझे पॉइंट भी करें, मुझे बुलेट ऑफ भी करें, आप बिल्कुल आपके पास राइट है कि मैं माशरे में सिर्फ नेगेटिविटी फैला रहा हूँ. मैं लोगों को के दिमागों को, उनकी नर्व्स को प्रेशर में मैंने रखा हुआ है. बट अगर मेरी कहानी कंक्लूड हो रही है और मैं फिर उसके बाद सही को सही और गलत को गलत बताता हूँ, मैं जस्टिफाइड हो जाता है, जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ, तो मुझे इसी की तो इजाजत है. ड्रामा इसी को तो कहते हैं. yeah. इस मेनूवर का ही नाम तो ड्रामा. मैं सिगरेट नहीं पीता. मुझे कई प्लेयर्स ऐसे मिले हैं कि मेरे हाथ में एक ग्लास भी है और मेरे हाथ में सिगरेट भी है, और मुझे उस ड्रामे में या उस फिल्म में एक अच्छा आदमी दिखाया गया है. तो आपको पता है मैंने कभी सिगरेट नहीं पकड़ी हाथ में और कभी ग्लास नहीं पकड़ा. मैंने कहा एक अच्छा आदमी ये दो काम नहीं कर सकता. okay. मैं ये व्यूअर को नहीं दे सकता. तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जितने लोग पीने वाले हैं मैं उनको बुरा कह रहा हूँ. मेरी सोच है ना, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल है. ट्रू. तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक सही बात कर रहा हूँ. जरूरी तो नहीं है ना कि सिगरेट पीने वाला हर आदमी बुरा. नहीं नहीं, लेकिन मैं अपनी नई नस्ल को ये दिखाना चूंकि नहीं चाहता, तो मेरे पास इसकी एक जस्टिफिकेशन है जो कि ठीक है भी और ठीक नहीं भी है कुछ लोगों के लिए. गॉट माय पॉइंट. इसी तरह इस ड्रामे को लेके अगर इसकी नेगेटिविटी पे हम बात कर रहे हैं कि इसमें ज्यादा दिखाया गया है और कम किया जा सकता था, तो शायद कर देना चाहिए था राइटर को. लेकिन अगर उसने नहीं किया तो कुछ सोच के नहीं किया होगा. सो वी शुड वेट. हां, ओके, लेट्स वेट एंड सी. जो हम देख कंक्लूड कहां करता है राइटर ले जाके, देखते हैं आगे क्या देखना चाहिए. हमें उसको लिबर्टी देनी चाहिए, मेरा ये कहना है. ओके, गॉट योर पॉइंट. बिल्कुल. अब मैं बहुत जल्दी से आपसे रैपिड फायर कर रही हूँ. आपने मुझे हाँ या ना में जवाब देना है. okay. या कुछ एक उस पर एक लाइन बोल सकते हैं, ज़्यादा नहीं. ठीक है. ड्रामा सेट पे लास्ट फ्यू ईयर्स में जब से आपने अपना करियर स्टार्ट किया, चीज़ें कैसे चेंज हुई हैं? ठीक है, मैं स्टेटमेंट देती जाऊँगी, आप बताते हैं. बेटर और वर्स? बोथ. सारी चीज़ें ठीक हैं. टेक्निक वाइज हम बहुत अच्छे हो गए. हमारे पास कॉन्टेंट अब पुअर है. हम गलत चीज़ों पे बात ज़्यादा कर रहे हैं. अच्छा स्क्रिप्ट कम आ रहा है. पंक्चुअलिटी? बैड. नो. ओके. कर्टेसी? नो. बिल्कुल भी नहीं. माशाल्लाह. ओह, मेकअप बहुत ज़्यादा. बेहतर हुआ है, बुरा हुआ है? बेहतर हुआ है. ओके. लाइटिंग? गुड, अच्छा हुआ है. बेहतर. सेट डिटेल्स? नो, वर्स हुई है. ओके. अब तो इतने बजट्स होते हैं सेट्स के. नहीं, कुछ चीजों में, कुछ जगहों के नहीं होते, कुछ प्रोडक्शन हाउसेस के होते हैं. यस. मील ऑप्शंस? वेल, यस. ओके. पे स्केल्स? या बेटर. बेहतर हुए हैं. एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन, फीमेल एक्टर्स जनरली इन द इंडस्ट्री? ये हमेशा अच्छे थे.
अच्छा तो बेहतर हो गए और या वैसे ही हैं? नहीं, हम तो हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं तो बेहतर ही है। स्क्रिप्ट्स बैड, बुरे डायरेक्शन, मेजॉरिटी अच्छी हुई है, अच्छी हुई है। ओके, आपके लिए ये चीज़ें चैलेंजिंग हैं या बहुत आसान हैं? मैं नाम ले रही हूँ, मुझे आप बता दीजिए इनमें से ऑप्शन। सोशल मीडिया प्रेजेंस, आई एम आउट। चैलेंज और सुपर इजी, दोनों में से एक बोल सकते हैं आप? नहीं, मुझे ना चैलेंज लगती है ना सुपर इजी, मुझे पसंद ही नहीं है, आई डोंट लाइक इट। दिस इंटरव्यू, आई लव इट। मेकअप बिफोर अ शूट? नो, नेवर, नेवर, कभी किया ही नहीं। अभी किया आपके सामने? नहीं, अभी तो नहीं किया। मैं तो मुंह धोता हूँ, पानी का स्प्रे किया, टिश्यू किया, सामने आके बैठ गए। कितनी देर से उठो तो कोई वो अंडर आई? नो, नेवर, नेवर। इंप्रेसिव, एक्सेप्ट कि मेरा कैरेक्टर कुछ ऐसा हो, मेकअप आर्टिस्ट और ये और वो, तो करना पड़ेगा तो कर लेंगे, मगर मैंने किया कभी नहीं। लर्निंग योर लाइंस इजीली, वेल। वर्किंग विद उष्णा? ओ लव इट, शी इज अ लव। वर्किंग विद बिलाल अब्बास? ओ ग्रेट मैन, मजा आता है। नॉट बीइंग एबल टू रिवील द रेस्ट ऑफ द स्टोरी इन डंक टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, कि आप डंक की बाकी स्टोरी अपने फ्रेंड्स और फैमिली को नहीं बता सकते? नेवर। नहीं, बट इज इट चैलेंजिंग और इज इट सुपर इजी कि नहीं बताना? नहीं, नहीं बताना, सुपर इजी। सुपर, यू कैन कंट्रोल, वो नहीं होता। no, बीवी को ही शेयर कर लें, नहीं आती है अंदर से। अच्छा। बताना ही नहीं है, वो उनको पता है एथिक्स मेरे काम के। ये एथिक्स है हमारे, हम नहीं बता सकते। प्रोड्यूसर हमसे साइन कराता है ना एग्रीमेंट, हम उसके राइट्स, उसके राइट हैं, ये कहानी उसकी है। True. तो हम नहीं सुना सकते किसी को। आप मुझे पूछेंगे, मैं इजाजत लूंगा, वो कहेंगे हाँ आप बात कर लें, मैं कर लूंगा। वो कहेंगे कि नहीं शोध भाई, नहीं बताया, नहीं बताऊंगा। Okay. तो ये एथिक्स है हमारे। एक सेट पे भूखे काम करना, चाय भी नहीं हो जिसपे, आसान है चैलेंजिंग है? ईजी, ईजी, यू कैन मैनेज इट चाय के साथ, आई लव इट। ओके, वर्किंग विद अ न्यू एक्टर? आप अभी चाय पिला के मुझे एक घंटा और बिठा सकते हैं। वर्किंग विद अ न्यू एक्टर? लव इट, लव इट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बड़े मज़े के किस्से सुनाए आपने, गुफ्तगू हुई, और वही चैलेंज था कि नई कुछ कहानियाँ सुनानी है आपसे, तो सुन ली हमने कुछ नई बातें। आई थिंक आपने पूछ ली टेक्निक से, वरना मेरे पास कुछ नया है नहीं। नहीं, बहुत कुछ है, अभी तो मैंने आधे सवाल पूछे नहीं, गप्पे इतनी लग रही थी, बातें इतनी हो रही थी, वो हमने नेक्स्ट टाइम। अभी भी है वैसे, बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें हैं, और अभी तो हमने नए प्रोजेक्ट्स के बारे में नहीं बात की, लेकिन ऑफ कैमरा मुझे पता चला कि आप 2-3 बड़े एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स के काम कर रहे हैं। सो वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन ऑल ऑफ देम वेरी वेरी सून, इंशाल्लाह, एंड बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग। थैंक यू जी, आपने भी इनवाइट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि हम नहीं, फिर अगेन आई एम सॉरी, हम बहुत लंबा टाइम गुजारने के बाद भी नहीं मिल सके थे, आज फाइनली हमने इंटरव्यू किया, और मुझे अब अफसोस हो रहा है कि मैं पहले क्यों नहीं आया। अब नेक्स्ट टाइम आप जल्दी आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू।